सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः। पृष्ठ क्या भाष्य है? अच्छा, नारायण 55 पृष्ठ ना। बृहदारण्यक तद्भाव भावित भावितोप सृष्ट्वा तेन रेतसा बीजेन अश्वनुप्रविश्य अंडरूपेण गर्भीभूत स संवत्सरो भवत् संवत्सर काल निर्माता संवत्सर प्रजापति रहवत्। प्रजापति का जो मौलिक स्वरूप है वह हिरण्यगर्भ है। जैसे हम स्थूल शरीर से युक्त होने पर भी कुछ कार्य करने का संकल्प करते हैं तो सूक्ष्म शरीर के योग से ही, स्थूलोपाधिक होने पर भी हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति सूक्ष्मोपाधिक तेजस के रूप में ही व्यावहारिक दशा में होती है। तद्वत यहाँ प्रजापति संज्ञक स्थूल प्रपंच में तादात्म्यपन्न चित धातु न लेकर प्रजापति या विराट या वैश्वानर का जो मौलिक स्वरूप हिरण्यगर्भ, जिसको पहले मृत्यु कहा, उसने क्या किया? तद्भाव भावित अपने को किया। इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में जो ज्ञान और कर्म, उसका दर्शन किया दिव्य चक्षु के प्रभाव से, ज्ञान चक्षु के प्रभाव से, जिन कर्मों के फलस्वरूप उसे हिरण्यगर्भ का शरीर प्राप्त हुआ था, सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक वह हुआ। यहाँ तो जन्म से ही हिरण्यगर्भ के रूप में उसकी अभिव्यक्ति हुई, लेकिन पूर्व ज्ञान और कर्म के अनुसार फिर श्रुतियों में जो सृष्टि क्रम का निर्धारण है उसका अनुसंधान करके उसने मिथुन को सृष्ट बनाया, आगे के कृत्य का संपादन किया। एक विचित्र बात है कि जिस वस्तु को हिरण्यगर्भ रचता है
वो वस्तु पहले उसके प्रति अन्न के रूप में स्फुरित होती है, लेकिन कालांतर में उसमें तादात्म्यपन होकर उस वस्तु को अन्नाद का रूप प्रदान करता है। यह मनोविज्ञान है। कोई वस्तु उत्पन्न हुई तो ठीक कहा, हिरणगर्भ में ही थी, जैसे मिट्टी में ही घटादि होते हैं। स्वयं में सन्निहित जो वे तत्व जिनकी संरचना अभी नहीं हो पाई है, जिसको उसने कार्य का रूप नहीं दे पाया, केवल उसकी उपाधि में वो सन्निहित, पहले तो दिव्य दर्शन के बल पर उसको वो समझता है, फिर संकल्प के बल पर उसे कार्य का रूप प्रदान करता है, उस कार्य में उसकी अन्न बुद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में जैसे कोई व्यक्ति अन्न के प्रति स्वयं को भोक्ता बनाना पसंद करता है, वैसे ही उस अन्न का सेवन करना चाहता है, भक्षण करना चाहता है, लेकिन यह सोचकर कि अभी स्वल्प रचना ही हुई है, जितनी भूख है उसके अनुसार भोज्य पदार्थ अभी तैयार नहीं हुए, फिर उस अन्न को भक्षण न करके उसे आत्म रूप से आत्मसात कर लेता है। वास्तव में प्रजापति का भोक्तृत्व यही है। क्या जिसको अन्न बनाना चाहता था उसमें जब उसकी तादात्म्यापत्ति हो जाती है तो अन्नाद कर देता है, यानी अन्न को उपाधि बना लेता है। अन्न को उपाधि बना लेने पर ही उसमें तादात्म्यापत्ति के बल पर वो अन्नाद में ही वो भक्ष्य पदार्थ का पर्यवसान हो जाता है। तो हिरण्यगर्भ में भोक्तृत्व बहुत दिव्य है, इस रहस्य का यहाँ प्रतिपादन चल रहा है। रहस्य बोध की धारा बहानी चाहिए, तब जीवन की गुत्थियाँ खुलती हैं। परसों हमने बताया, कल भी बताया, इदमतास्पद को ममतास्पद, ममतास्पद को अहमतास्पद बना लेना। सार क्या है? हिरण गर्भ की जो भी प्रथम उपाधि है, उधर माने महत्तत्व, इधर माने आकाश, जो भी माने विवक्षावसात, अष्टधा प्रकृति की दृष्टि से महत्तत्व प्रथम उपाधि है, पंचधा प्रकृति की दृष्टि से विचार करें तो आकाश प्रथम उपाधि है उसकी। भविष्यत गति से जिन जिन वस्तुओं की संरचना होनी है वे सब तो उसकी उपाधि में ही सन्निहित हैं। उदाहरण के लिए ऐसे कुंभकार, कुलाल, कुम्हार की कल्पना कीजिए जिसकी उपाधि मिट्टी बन जाए, क्या कल्पना करने में क्या घाटा है? ऐसे कुम्हार जिसकी उपाधि मिट्टी, अब जब मिट्टी बन गई तब क्या है? मिट्टी में ही भविष्यत गति से सब कार्यों को देखेगा या नहीं? फिर क्या करेगा? प्रयोजन के अनुसार जिस कार्य को रचना चाहेगा उसकी प्रक्रिया का आलंबन लेगा, इसलिए वहाँ नाम की आवश्यकता पड़ेगी। मिट्टी में तो अनेकों घट, कुल्लर, चकोरे आदि हो सकते हैं, लेकिन वो जिसका नाम स्फुरित होगा, जिसे रचने की भावना होगी अपनी उपाधि मिट्टी के माध्यम से, उसी को व्यक्त कर देगा। तो यहाँ पर कुलाल के समान समझना चाहिए चेतन हिरण्यगर्भ, मिट्टी के समान समझना चाहिए उसकी प्रथम उपाधि। उसमें सन्निहित जो भी तत्व हैं उनको वो व्यक्त करता है, व्यक्त करने के लिए ईक्षण करता है, तदनुकूल प्रयास करता है। वो वस्तु जब व्यक्त हो जाती है तब उसी की अन्न संज्ञा बन जाती है।
तब वो अन्नाद होकर एक बार उसका निरीक्षण करता है यूँ, जिनको कुछ सोच समझ कर सोचता है कि अभी और कार्यों की रचना शेष है, धैर्य धारण करता है। जब धैर्य धारण करता है तब क्या होता है, उसके द्वारा रचा हुआ जो अन्न कार्य विशेष, उसको भी वो अपनी उपाधि बना लेता है, अर्थात उसमें तादात्म्यपन्न हो जाता है। तो देखते देखते जो अन्न था वो अन्नाद भावापन्न हो जाता है, यह प्रक्रिया है। तो भोक्तृत्व दिव्य में दिव्यता ही है नहीं, व्यष्टि व्यक्ति के भोक्तृत्व में और हिरण्यगर्भ के भोक्तृत्व में आकाश पाताल का अंतर है या नहीं। अपने अंदर की वस्तु को उद्भाषित करके भोग्य बनाना, फिर उसका भक्षण न करके उसको अपनी उपाधि बना लेना, क्या है इसका अर्थ क्या हुआ? वह जो भोक्तृत्व है अन्न भी वही हो गया, अन्नाद भी वही हो गया, यह प्रक्रिया। तो ज्ञान और कर्म, जैसी उपासना थी जैसा कर्म था, और वह लगता तो है कि उसकी उपासना पूर्वजन की, उसका कर्म, उपासना के लिए ज्ञान शब्द आया है, चूँकि वह असना या भूख से संतप्त भोजन की इच्छा संपन्न, तो जीव का यह धर्म है। जब जीव का धर्म है, हमको भी भूख प्यास सुसुप्ति में थोड़े लगती है, स्वप्नावस्था में लगती है, जागर दशा में लगती है, सुसुप्ति में भूख प्यास की पहुंच नहीं। तो कारणोपाधिक जो चित धातु है उसमें क्या भूख प्यास सर्दी गर्मी की पहुंच नहीं है। मृत्यु का भय सुसुप्ति में होता है किसी को? काम क्रोध लोभ मोह शोक कोई भी मनोविकार सुसुप्ति में उद्भूत होता है। द्वंद्व से अतीत, मनोविकार से अतीत, मृत्यु के भय से अतीत और दुख से अतीत सुसुप्ति अवस्था है। क्योंकि ये सब, इन सब का मूलधन क्या है? अहंकार, अहम। जब अहंकार रहेगा तो सर्दी गर्मी भूख, जब अहम जगेगा तो जैसे बच्चा जगता तो चों भों करता ही है, मौनी बाबा होके थोड़े रहता है। अहंकार का उदय हुआ नहीं कि देखिए क्या क्या भूख लगेगी या नहीं, प्यास लगेगी या नहीं, मृत्यु का भय होगा या नहीं, कामक क्रोध आदि कोई भी मनोविकार प्रकट हो सकता है या नहीं, तीव्र ताप में कोई भी ताप मिल सकता है या नहीं। लेकिन सुसुप्ति में इन सब की बीजावस्था रहने पर भी किसी की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती। इसीलिए कहा कि पूर्व उपासना माने ज्ञान और कर्म, सर्वजीव घनात्मक है ना, सर्वजीवों के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के रूप में उसको व्यक्त होना है। तो जितने जीव हैं समष्टि जीवों की जो उपासना, समष्टि जीवों के जो कर्म, वो उसके अंदर स्फुरित हो जाते हैं। तदनुसार वह श्रुति सिद्ध रिक्त यजु साम जो वेद हैं उनमें सिद्ध जो सृष्टि क्रम है उसके अनुसार ही फिर जिन जिन कार्यों की प्रत्यक्ष स्फुट अभिव्यक्ति नहीं हुई है उन्हें क्रमशः व्यक्त करता है। सदा तद्भाव भाविता, तद्भाव भावित होकर अपसृष्ट्वा उसने जल को ही रचना की। तो यहाँ तो सावधान होकर पढ़ना है, जल का ही रचना तो पहले हो गई, उससे पृथ्वी की रचना भी हो गई, उससे अग्नि की रचना भी हो गई, लेकिन ये अनुस्मरण है, उसने जो रचना की उसके मूल में क्या तत्व थे, बीच वाली घाटी का वर्णन बाद में कर दिया, इसलिए भ्रम हो सकता है।
बीच वाली जो घाटी होनी चाहिए उसका श्रुति ने बाद में वर्णन किया। आखिर उसने अमुक 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 को बनाया तो कैसे बनाया, वेदों में जो क्रम निर्धारित था उसके अनुसार बनाया, तो वेद की अभिव्यक्ति हुई होगी तब तो। इस प्रकार से जो कार्य का रूप दिया उसने किस प्रकार दिया इसका वर्णन बाद में, नहीं तो फिर ब्रह्म होगा कि जल तो बना ही चुका था फिर उसने जल को क्यों बनाया। अपह सृष्टवा तेन रेतसा बीजेन, ये तो कई बार चल चुका है, आप भी पूछ चुके हैं, हम उत्तर दे चुके, क्या है वही उसी जल का वर्णन है ना अभी। कहाँ टिप्पणी है, अपाशिष्टि पंचीकृत भूतानुत्पाद्य अर्थ है, तो आनंद गिरी जी ने लिखा उसी का तो स्मरण टिप्पणी कारण कह रहा है। वहाँ आनंद गिरी जी ने क्या लिखा कि अपंचीकृत पंच महाभूत में तादात्म्य पंच धातु हिरण्यगर्भ है, तो हिरण्यगर्भ का वर्णन कर देने पर अपने आप अपंचीकृत पंचभूत का ग्रहण हो जाता है। आइए गृहस्थ महोदय, तो विवाहित हैं ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा या नहीं, क्या गृहस्थ किसी को कह दिया सदगृहस्थ हैं ये, तो विवाह का वर्णन अपने आप हो गया है नहीं। अष्टधा प्रकृति न लेकर पंचधा प्रकृति, अब कहेंगे कि छह प्रकृति, छह में तो मूल प्रकृति आएगी, अव्यक्त आएगा, तो उससे तो उपहित चेतन का नाम ईश्वर हो जाएगा। कार्योपाधि अयम जीव है, कारणोपाधि ईश्वर है, सुख रहस्योपनिषद का यह वचन याद रखना चाहिए। तो जीव ये जो हिरण्य गर्भ है प्रथम जीव है, हिरण्य गर्भ संवर्तता ग्रह, प्राणियों की योनि माने प्राणियों का कारण है। इसकी उपाधि क्या हो सकती है, या तो आकाश को मान लें, कौन सा आकाश, अपंचीकृत आकाश, उससे भी काम न चले तो आकाश के बाद वायु, वायु के बाद तेज, तेज के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, इसका अर्थ क्या हुआ, अपंचीकृत पंच महाभूतों में तादात्म्यपन्न चित धातु का नाम हो गया हिरण्य गर्भ। अब अपंचीकृत पंच महाभूत की रचना किसने कर दी, ईश्वर ने, ठीक है। अब एक प्रक्रिया ये भी हो सकती है, जो सृष्टि क्रम जो वेदों में है तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाशा सम होता है, जो सरणी यहाँ पर अपनाई गई है उसे तो ऐसा लगता है कि कल्पना कीजिए भगवान ने आकाश बना दिया अपंचीकृत, उसमें तादात्म्य पंच धातु का नाम हिरण्यगर्भ हो ही गया। अब उसी ने अपने लिए वायु बनाया, आकाश में वायु का स्थान है ही, वायु सन्निहित है ही, फिर उसी ने तेज बनाया, पांचों भूत उत्पन्न हो गए, तब उसमें तादात्म्यपन्न होने पर हिरण्यगर्भ नाम हुआ। वर्तमान जो यहाँ की सरणी है वो तो अपने लिए उपाधि बनाता जाता है, तो मूल उपाधि की रचना किसने की, ईश्वर ने, आकाश की क्यों करेंगे। अब अगर वहाँ से लेते हैं कि महत की, क्योंकि उसने क्या किया, उसने ये किया कि वहाँ पर वर्णन आया है कि मन बनाया, मन का अर्थ शंकराचार्य जी ने दिया मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, तब आनंद गिरी जी ने वहाँ प्रश्न कर दिया कि हमारे यहाँ तो छांदोग्य श्रुति पैंगलोपनिषद आदि के अनुसार अंतःकरण भौतिक है, अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है, तो जब तक अपंचीकृत पंच महाभूतों की संरचना नहीं हो गई तब तक मन कैसे बनाया। फल बल कल्प है कि भौतिक मन बनाने के कारण भूतों में तादात्म्य आपत्ति उसको पहले से प्राप्त थी, यह अर्थ किया। अब अगर मन बनाया, मन का अर्थ क्या कर लेंगे, अहंकार,
पंचभूतों का उपादान कारण वो मेरा पो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च मन कार अहंकार कर लेंगे, तब तो फिर अभी महत्तत्व से तादात्म्यपन हिरण्यगर्भ ने अपने लिए क्या बनाया, अहंकार बनाया। तब अहंकार बनाया तो आगे आकाशादि की उत्पत्ति का वर्णन चाहिए, लेकिन वहाँ जल की उत्पत्ति का वर्णन है तो समझ लेना चाहिए कि उससे पहले तेज वायु आकाश तो अपंचीकृत मानना पड़ेगा। लेकिन आनंद गिरि जी ने कहा कि उसने मन बनाया, मन तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार भौतिक है, पंचीकृत भूत का कार्य है नहीं, अपंचीकृत भूत का कार्य है। तो पंचीकृत पंच महाभूतों में तादात्म्य अपनिचित धातु का नाम हिरण्यगर्भ, मन को भौतिक मान करके आनंद गिरि जी चले। भौतिक मान के चले तो ये जो जल उत्पन्न हुआ, जिससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिससे आग अग्नि उत्पन्न हुए, उसको तो फिर आनंद गिरि जी को पंचीकृत मानना ही पड़ेगा। आनंद गिरि जी की टीका का अनुगमन करके ही टिप्पणीकार ने कह दिया कि पंचीकृत क्या, एक प्रक्रिया महाभारत वाली हमने बता दी थी। अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य तो मन है, लेकिन मन ने पंचीकृत पंचभूतों को बनाया, इस दृष्टि से भी पंचीकृत सिद्ध हो जाते क्या। विवक्षा वसात अष्टधा प्रकृति को लेकर कुछ और ढंग बनेगा और पंचधा प्रकृति को लेकर कुछ और प्रक्रिया बन जाएगी। पंचधा प्रकृति में तादात्म्यपन्न मान लेंगे तो पंचीकृत पंचभूत की उत्पत्ति मानेंगे, और अष्टधा प्रकृति में जो प्रथम कार्य महत्तत्व उसमें तादात्म्यपन्न चित धातु को हिरण्यगर्भ मानेंगे, तब यहाँ पंचीकृत पंचभूत की प्राप्ति होगी क्या। लेकिन फिर प्रश्न उठेगा कि जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद अग्नि, उस अग्नि का परिचय दिया गया कि अश्वमेध में प्रयुक्त होने योग्य, तो अश्वमेध में जो प्रयुक्त होने योग्य आग है वो पंचीकृत है या अपंचीकृत। पंचीकृत तो अपंचीकृत अग्नि और इसमें तादात्म्यापत्ति को लेकर या तो अर्थ करेंगे या फिर घुमा फिरा के अपंचीकृत अग्नि में तो आहुति डालने से रहे, तो आहुति डालेंगे अश्वमेध में द्रव्य और देवता, लेकिन द्रव्य का निक्षेप किस में करेंगे, अग्नि में, अग्नि भी देवता है। वो अग्नि, अग्नि का अर्थ होता है नेता, नए सुपथा राय, अग्नि माने अन्य देवताओं के लिए आहार प्रेषित करने का जिनको दायित्व प्राप्त है वो अग्नि नेता। तो अग्नि के द्वार से ही, जैसे मुख के द्वार से ही हमको इंद्रिय आदि को पोषण के लिए आहार करना होता है, ऐसे ब्राह्मणों से मुख मासित, तो इसका अर्थ क्या है, अग्नि में आहुति देंगे, जो भी अश्वमेध याग में हवनीय द्रव्य है उसकी आहुति किसमें डाली जाएगी। तो आग तो चाहिए, तो जो आग उत्पन्न हो गई, उत्पन्न की गई, उसको पंचीकृत मान लेंगे, यह हुआ। इसीलिए आनंद गिरि जी ने जो लिखा एक प्रकार से ठीक है। अब उसमें फिर भी शंका बनी रह जाती है, प्रक्रिया तो यही होती है कि अपंचीकृत आकाश आदि का वर्णन करके पंचीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से पंचीकृत आकाश आदि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अपंचीकृत का वर्णन नहीं किया, सहसा पंचीकरण की बात कह दी, यहाँ पर कुछ विसंगति लगती है। माने कहीं भी पंचीकृत भूत की उत्पत्ति का वर्णन हो और अपंचीकृत का वर्णन ही ना हो, ये भी कुछ आश्चर्यचकित करने वाली बात हो गई। सब उधेर बुन का अर्थ यही हुआ कि फिर वो प्रक्रिया बहुत अच्छी लग गई हमको महाभारत की, अपंचीकृत पंचभूतों से मन उत्पन्न हुआ, मन से पंचीकृत पंचभूत उत्पन्न हुए। यह प्रक्रिया यहाँ आकर भले ही आनंद गिरि जी ने उस अध्याय के आधार पर न लिखा हो, इतना उन दिनों विशाल ग्रंथ उसमें ध्यान गया हो न गया हो,
वो ग्रंथ उपलब्ध हो, महाभारत का शांति पर्व अध्याय पर ध्यान गया हो न गया हो, लेकिन जो प्रकरण चल रहा है उसमें फिर वो प्रक्रिया बिल्कुल अनुकूल बैठ जाती है। इसमें दोनों बात हो गई, अपंचीकृत पंचभूतों की उत्पत्ति होने पर हिरण्यगर्भ संज्ञा हो गई, अब हिरण्यगर्भ ने मन बनाया, मन से फिर पंचीकृत पंचभूत बना दिया, बिल्कुल वो महाभारत की एक प्रक्रिया। यहाँ पर आनंद गिरी जी की टीका विसंगति युक्त नहीं है, लग जाती। यद्यपि उन्होंने संकेत नहीं किया कि हम जो लिख रहे हैं उसके आधार ये हैं, लेकिन अपनी ओर से हमको मिल गया तो क्या बिल्कुल ठीक बैठता है, हो गया तो सब पहले कहा था। अपशिष्टवा तेन रेत सा विजयना अपस्वनुप्रविश्य अन्न रूपेण गर्भीभूत। बीज का अर्थ पहले ही कर दिया था, शिष्टेशु भूतेशु ये हो गया, और बीज अपसु माने शिष्ट जो भूत हैं, बहुवचन के लेकर इन्होंने अपनी टिप्पणी दी, ये उसमें प्रविष्ट हो गया। अनुप्रविष्ट प्रवेश होता है नाम रूपे व्याकरवाणी, अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, अनुप्रवेश होता है। अनुप्रवेश का अर्थ क्या हुआ, जिस जिस को अन्न के रूप में वो व्यक्त करता है उसी में उसका अनुप्रवेश हो जाता है, का अर्थ है उसी में वह तादात्म्यपन्न हो जाता है। अनुप्रवेश तो पहले से था या नहीं, प्रवेश उसी उसी में वो तादात्म्यपन्न होता है। तादात्म्यपद प्रागेव विद्यमानत्वात् श्रीमद्भागवत में आया है, प्रागेव विद्यमानत्वात्। यहाँ अनुप्रवेश का अर्थ यह हुआ कि जो अन्न उत्पन्न किया उसने, वाक भी अन्न है, वेद भी उसके लिए अन्न है क्या, उसके लिए तो वेद भी अन्न ही है ना, आया ना। जिसको उसने उत्पन्न किया उसमें जब उसकी पुनः तादात्म्यापत्ति हो गई तब क्या हुआ, वही अनुप्रवेश हो गया। अब वो अन्न के रूप में नहीं, उसको उसने अन्नाद के रूप में, यह हमारे आपके जीवन में भी है, भोजन कर लेने पर वो भोजन अन्न रह जाता है या अन्नाद हो जाता है। हाँ, 5 किलो शरीर का वजन बढ़ गया 5 महीने में, किससे बढ़ा भाई, अन्न से बढ़ा, अब क्या हो गया, हुआ अन्नाद हो गया। अन्नाद कैसे हो गया, हमारी एक उपाधि बन गई स्थूल शरीर के रूप में अन्न आ गया, तो हम भी तो देखते देखते अन्न को अन्नाद बना देते हैं ना। बाह्य जो भक्ष्य पदार्थ है उसको स्थूल शरीर तक, और स्थूल ही शरीर थोड़े होगा फिर, उससे तो मन का प्राण का वाक आदि का भी तो सूक्ष्म शरीर तक उसकी पहुंच हो गई या नहीं, तो हम सूक्ष्मोपाधिक भी हो गए, कार्योपाधिक भी हो गए, लेकिन वो हो गए कैसे, अन्न के द्वार से। अन्न हमारी उपाधि बन जाए तो उसमें अनुप्रवेश हमारा हो ही गया, हम लोग भी अनुप्रवेश करते ही हैं, ये ढंग से हम क्यों पढ़ाते हैं, नहीं तो ये सब ज्ञान पछतान है। तयोर व्यष्टि समष्टिता, पंचदशी कारण ने एक दृष्टि दी, तयोर व्यष्टि समष्टिता, समष्टि का निरूपण चले तो उसको व्यष्टि में कैसे चरितार्थ करेंगे, तो प्रयोगशाला हमारे पास है क्या, प्रयोगशाला जो हमारे पास है, कल ब्रह्मसूत्र में कहा गया ना कि भाई प्रयोगशाला हमारे पास है, एक आगम है और एक प्रत्यक्ष है, दोनों में तालमेल बैठ जाने पर तो सिद्धांत अडोल हो जाता है क्या, अभिकम्प योग। तो हमारे पास प्रयोगशाला क्या है, कल रात में हैं हमारे पास प्रयोगशाला है कि 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, एक एक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा एक एक भूत का एक एक विषय ग्राह्य बनता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अगर कोई छठा तत्व भी होता, महत अहम अहम महत ये सब, तो हमारे पास प्रयोगशाला में 6 ज्ञानेंद्रियां होती। अब कहें कि 5 कर्मेंद्रियां, वो तो विसर्जन के लिए हैं, ग्रहण के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय, विसर्जन के लिए 5 कर्मेंद्रिय, इसका अर्थ क्या हुआ, छठे को हम स्वीकार नहीं कर सकते। वहाँ पर रात में बहुत विवेचन चला,
तो हमको उसमें भी बल मिल गया। कहाँ से? महाभारत में का अध्याय है, असित नामक महर्षि ने, असित देवल, असित देवल एक नाम भी है, असित अलग भी है, देवल अलग भी है। असित देवल व्यास सबका नाम लिया है अर्जुन ने। असित जी ने नारद जी से कहा, जो कोई छठे सातवें आठवें तत्व की चर्चा करते हैं उनकी बात में विश्वास न करो। पांच ही तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, तो बाकी सब उड़ा दिया संघ को। उससे पहले अध्याय में एक से एक सिद्ध महात्मा, व्यास जी का वक्तव्य है, वशिष्ठ जी का वक्तव्य है, ये सब है, याज्ञवल्क्य जी का वक्तव्य है, सबने अहम तत्वादी का वर्णन किया। असित जी ने कहा बिल्कुल ठगई है ये, बिल्कुल ऐसे ही शब्द का प्रयोग कर दिया, गुमराह करते हैं वो, पांच के अलावा कोई तत्व नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? पांच के अलावा कोई नहीं, अगर छठा कोई होता, छठा भूत भी कोई होता तो छह ज्ञानेंद्रियां होती, तो हमारे पास प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में उतार करके हम न्यून न अतिरिक्त, क्या न न्यून तत्व से धोने देंगे न अतिरिक्त, यथावत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड व्यवहार कांड में गणित में सब जगह प्रयुक्त होने वाला क्या सिद्धांत है? अन्यून अनतिरिक्त, क्या इस सिद्धांत को जो आत्मसात कर लेता है कहीं गुमराह नहीं होता। क्या कर्मकांड में अन्यून अनतिरिक्त, उपासना में अन्यून अनतिरिक्त, ज्ञान कांड में अन्यून अनतिरिक्त, घर चलाने में अन्यून अनतिरिक्त, व्यापार करने में अन्यून अनतिरिक्त, और तत्व गणना में अन्यून अनतिरिक्त, बस एक नियम को अपना लिया सर्वत्र विजयी हो गए। अब घर चलाने में पाँच रुपये के स्थान पर व्यवस्था है, फिर भी एक रुपया खर्च किया तो फिर क्या होगा? वो हैं अपने सहद्रा वाले शर्मा जी, गृहस्थाश्रम बहुत बढ़िया ढंग से चलाया होगा, तब यहाँ क्या व्यवस्थापक बनाए गए, तो जो आता था कहते थे यहाँ पानी ही नहीं है, किसी गृहस्थ को यहाँ का व्यवस्थापक बना दें तो सबको भूखे मार देगा। तो कहें कि जितेंद्र जी तो विद्यार्थी जीवन मेरे पास आ गए, तो वो जो गृहस्थ हुए हैं वो दूसरे ढंग के गृहस्थ, क्या किसी गृहस्थ को संतों के आश्रम चलाने के दे दिए उसका हृदय फट जाएगा, हृदय को फट जाएगा। आज का जो गृहस्थ है, रिश्तेदार नातेदार अधिक से अधिक, क्या सास ससुर तक सीमित, अतिथि को भी कुछ नहीं मानता, भिखारी मानता है। अब संतों के यहाँ ऐसा चलेगा क्या? गंगाधर मिश्र जी ने कहा बिक जाएगा आश्रम, हम लोगों को घर चलाना आता है, बाबा है, हमने कहा आप लोगों को आश्रम घर चलाना आता, हमको आश्रम चलाना आता, कैसे? देखिए कोई 11 बजे आया, चार व्यक्ति आप कहते भोजन कर लो, अरे भोजन बनना शुरू होता है 8 बजे से, अब बताइए उसके लिए चूरा वूरा रखिए दे दीजिए, हमने कहा रात में खाएगा वहाँ, हमने कहा आप लोग आश्रम नहीं चला सकते, बदनाम कर देंगे। वही हुआ। अच्छा अच्छे बहुत बढ़िया गृहस्थ, जिसको जिसको जहाँ व्यवस्थापक रखा सबको भूखे मारना, माने अतिथि के लिए कोई स्थान ही नहीं, उनके घर में जब अतिथि के लिए स्थान नहीं रहा तो आश्रम में कैसे रहेगा, आश्रम ऐसे चलेगा क्या? फिर अपरिचित संत को तो कंगला ही समझ लेगा गृहस्थ, बड़ी विकट बात। आश्रम चलाना जो है गृहस्थों के बस की बात नहीं है, जहाँ गृहस्थों को व्यवस्था दे दी जाती है आश्रम मंटाधार हो जाता। ये जब है जितेंद्र जी ये सब, वो तो क्या आरंभ से उस ढंग से प्रशिक्षित हैं और समझ हैं। 10 व्यक्ति का भोजन आदि बनना चाहिए, 10 व्यक्ति का, तो 15 व्यक्ति तक अधिक आ गया चल जाएगा, समझ गए? अब किसी की ट्रेन लेट हो गई 4 घंटे तो उसको भूखे मारेंगे, अब क्या है कुछ बच गया, विद्यार्थी है फिर पाल लेंगे, उनको तो बार बार भूख लगती है, गाय है क्या, लेकिन इतने कंजूसी नहीं चलेगा। सार क्या हुआ? व्यवस्था में भी यह ध्यान रखना चाहिए, क्या अन्यून अनतिरिक्त, न्यून खर्च करेंगे तो कंजूस गिने जाएंगे। और बिहार के कुछ व्यक्ति आए, एकाएक थोड़े सब अच्छी व्यवस्था बनी है, बिहार के रणधीर ने भेजा, बिहार के जो जो आए
उन सबको नक्की का अपनत्व मठ में नहीं था, 25 रुपये के स्थान पर वो 55 रुपये खर्च कर दें तो हम परेशान। सीधे ये व्यवस्था नहीं बनी है, बहुत परेशान होना पड़ा क्या। अब बताओ 25 रुपये में काम चले, उसको 55 रुपये खर्च करो दिवाला निकल जाए, और 5 रुपये खर्च कर दो तो सब बदनाम होने लग जाए, जगह जगह बदनाम। आपके यहाँ गए तो भोजन भी नहीं मिला, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। इसलिए सब जगह यह नियम है। तत्व में भी यह नियम बताया गया कि भाई अन्यून अनतिरिक्त, तुम चार तत्व को मानोगे तो ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि 5 ज्ञानेन्द्रियाँ दे दी, और तुम जो है 6 तत्व मान लोगे तो ईश्वर को कंजूसी थी कि वो 6 इंद्रिय नहीं देता, 5 ही ज्ञानेन्द्रियाँ दी हैं। इससे सिद्ध होता है 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, हमारे पास प्रयोगशाला है, इसमें कस लो। इस ढंग से गर्भीभूत संवत्सरो अभवत। अब ये विचित्र बात है, कल हमने कहा वो तो माता है ना, यहाँ स्त्री पुरुष अलग अलग थोड़े हैं कि पुरुष गर्भाधान करेगा, स्त्री गर्भधारण करेगी। प्रजापति ही गर्भाधान कर, माने हिरण्यगर्भ ही गर्भाधान करेगा, वही गर्भधारण भी करेगा, माता का काम है ये। स संवत्सरो अभवत, संवत्सर काल निर्माता, संवत्सर प्रजापति रहवत, संवत्सर हो गया गर्भ जो धारण किया उससे संवत्सर की उत्पत्ति हो गई। संवत्सर की उत्पत्ति हो गई तब तो ठीक है, जो ही उसमें तादात्म्यपन्न हो गया त्यों ही उसका नाम क्या हो गया, प्रजापति। संवत्सर में तादात्म्यपन सिद्धातु। अब प्रश्न उठता है कि संवत्सर तो पहले से रहा होगा, इस संवत्सर का अर्थ यहाँ पर क्या करेंगे, पहले से रहा होगा ना, इसमें भी मनोविज्ञान है। क्या क्या रचना हो गई, जल की रचना हो गई ऊपर से ले लीजिए, वायु का भी वर्णन हो गया ना, वायु का वर्णन हो गया, अग्नि का वर्णन हो गया, पृथ्वी का वर्णन हो गया, आदित्य वायु को भी तो ले लिया ना, अग्नि आदित्य वायु जो कह दिया तो अग्नि के अतिरिक्त वायु तत्व का ग्रहण हो ही गया, और अग्नि का और आकाश का एकत्व है या नहीं, लो जी नहीं ध्यान जाएगा जल्दी। कल हमने ऐसा भगवान के पास हमको ऐसा चिंतन हुआ, उसी वेदांत ग्रंथ में इस गुत्थी को सुलझाया ही नहीं गया था, कल आ गए आप समय मिलेगा तो उसको लिपिबद्ध कर दूंगा। सुन रहे हैं ना ब्रह्मानंद जी महाराज, कान अतीन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय आकाश का कार्य है या नहीं, आकाश का कार्य इसलिए है कि शब्द नामक गुण को ग्रहण करती है वो इंद्रिय, शब्द नामक गुण किसका है, आकाश का है, तो श्रोत्रेन्द्रिय को आकाश ही मानेंगे या नहीं। अब शब्द का विसर्जन किससे होता है, वाक से, वाक के देवता कौन है, अग्नि, और श्रोत्र के देवता कौन है, दिक् माने आकाश। अब विसंगति हो गई क्या, विसंगति हो गई ना, तत्व तो एक ही है ना, आकाश से ही श्रोत्रेन्द्रिय की रचना हुई, आकाश से ही वाकेन्द्रिय की, वो कह देंगे सत्वात समझाते ज्ञानम रजह कर्मणि भारत, वो सात्विक है, ये राजस इतने तो है लेकिन आकाश ही तो है ना, तो एक जगह श्रोत्रेन्द्रिय के देवता दिक् हो गए और वाकेन्द्रिय के देवता दिक् क्यों नहीं, दुख का अर्थ वहाँ पर आकाश है, इसलिए आकाश के अर्थ में ही अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे सब कल बैठाया, अच्छा हुआ कि अभी निकल आए, भूल ही गया तो उसको अब समय निकाल के एक ग्रंथ लिख रहे हैं, पूर्वावनय प्रक्रिया प्रकाश, लगभग 700 पेज हो गया है, 300 पेज लगभग 200 पेज और लिखना हो गया ना। एक कर्मेंद्रिय के जो देवता हैं उनको ज्ञानेन्द्रिय के देवता से एकीभूत करेंगे तो विचित्र रहस्य निकलेगा, यहाँ आकाश और अग्नि का। अच्छा कोई पूछते हैं जलवायु कैसा है, जल के साथ किसका तालमेल बैठ गया, वायु का, जल के साथ वायु का तालमेल बैठ जाता है और आकाश के साथ अग्नि का। अब ले लीजिए
ज्ञानेन्द्रियों में त्वक कौन है? वायु का कार्य है या नहीं? त्वक तो उसका कार्य क्या? स्पर्श, स्पर्श ग्रहण किया। स्पर्श का विसर्जन किससे होगा? हाथ से। हाथ के देवता कौन है? इंद्र। अब यहाँ पर इंद्र किसको कहेंगे? वायु का नाम यहाँ पर इंद्र हो गया। कैसे इंद्र हो गया? वायु का नाम इंद्र हो गया। अदिति कौन? कश्यप कौन हो गए? कश्यप आकाश रूप। अदिति कौन हो गए? अदिति के बेटा है ना, अदिति भी आकाश रूप। उनका कार्य कौन हो गया? इंद्र। अदिति के घर से उत्पन्न हुए ये कौन हो गए? कश्यप और अदिति, ये दोनों को आकाश रूप मानते हैं दार्शनिक जगत में। उनसे कौन उत्पन्न हुआ? इंद्र वायु रूप हो गया। इसीलिए हाथ के देवता वायु हैं। यहाँ पर इंद्र शब्द का प्रयोग है वायु के अर्थ में। अब किसी जगह इस तालमेल नहीं बैठाया गया है। अब नेत्र को ले लीजिए। नेत्र ज्ञानेन्द्रिय है, इसके देवता कौन है? आदित्य माने सूर्य हो गए ना। तो आकाश वायु के बाद तेज हो गया। गंतव्य का दर्शन करते नेत्र के द्वारा चलते हैं पांव के द्वारा। पांव के देवता कौन हो गए? वामन उपेंद्र। तो क्या हो गया? इंद्र को हमने क्या कहा था? वायु रूप। उपेंद्र कौन हो गए? छोटे भाई जो है पुत्र के तुल्य होता है, उपेंद्र कह दिया ना, तो अग्नि रूप हो ही गया। नहीं ऐसे ही जल, जल के द्वारा कौन से इंद्रिय बनी? रसनेन्द्रिय। अब मूत्रेन्द्रिय के द्वारा त्याग होगा। रसनेन्द्रिय के देवता कौन हो गए? वरुण। इसके देवता प्रजापति, प्रजापति ना, वरुण का नाम ही यहाँ प्रजापति। वरुण प्रजापति हैं या नहीं? यहाँ जो प्रजापति है वो वरुण के अर्थ में ही प्रजापति शब्द का प्रयोग हुआ है। अब नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण किया। नासिका के देवता पृथ्वी, पृथ्वीकार अवतार रूप है अश्विनी कुमार। अब गुदा के देवता कौन हो गए? मृत्यु। मृत्यु तो अश्विनी कुमार में माने पृथ्वी में और मृत्यु में एक रूपता है क्या? इसके देवता भी पृथ्वी ही होने चाहिए, लेकिन नामकरण क्या हो गया? मृत्यु। उसको यमराज तक लोग ले जाते हैं। ये सब गुत्थियाँ हैं या नहीं? तालमेल बैठाने की प्रक्रिया नहीं बन पाई। तो इससे क्या होता है? बहुत कुछ काम भगवत कृपा से यहाँ से हो रहा है। क्या हजारों वर्ष की इनको कुछ मालूम है? एक एक हजार, दो दो हजार नहीं, तीन तीन हजार वर्ष से जब गुत्थियाँ दर्शन शास्त्र की थी सुलझती हैं। तो ऋषियों का ये सब बहुत अनुग्रह है। क्या कि हमने कहा तो गर्भीभूत क्या हुआ? गर्भधारक भी वही, गर्भधारण करने वाला भी वही, गर्भधारण कराने वाला भी वही। गर्भी गर्भ, गर्भवता हो गया। हिरण गर्भ क्या हो गया? गर्भवता हो गया। संवत्सर भवत, संवत्सर क्यों हुआ भाई? पृथ्वी की रचना हो गई ना। पृथ्वी की जब रचना हुई और आदित्य की रचना हो ही गई, वायु की रचना हो गई। अब मनोविज्ञान क्या है? संवत्सर की उत्पत्ति पृथ्वी के पहले होनी चाहिए बाद में? हाँ पहले होनी चाहिए। तो गलत काम कर दिया हम, इनसे पूछा ही नहीं ब्रह्मा जी ने। सुनो आप, आदित्य कौन? सूर्य। पृथ्वी ना बने तो भूमंडल के हिसाब से दिन रात्रि है या आदित्य के हिसाब से? वो भी भूमंडल जो है कहीं दोपहर के ही सूर्य रहते हैं क्या? मध्यान्हकालिक ही ऐसे है ना। सूर्य मंडल में दिन रात्रि की विभाजक रेखा नहीं है। भूमंडल को लेकर दिन रात्रि, उसमें भी कुछ ऐसे स्थान हैं, भागवत आदि पढ़िए, चौबीसों घंटे वहाँ पर क्या रहता है? मध्यान्हकालिक सूर्य। कहीं अमेरिका आदि में दिन, तो यहाँ रात्रि, अंतर पड़ जाता है। तो दिन रात्रि का क्रम नहीं होगा तो संवत्सर की सिद्धि कैसे होगी? तो संवत्सर की सिद्धि तब तक हो ही नहीं सकती जब तक पृथ्वी की रचना ना हो। मनोविज्ञान हो गया ना दर्शन।
क्या जरूरत है? नहीं तो लोग कहेंगे भाई काल पहले था, संवत्सर तो काल है, कालावयव, संवत्सर पहले था तब तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब इसका अर्थ तो श्रुति के मस्तिष्क में कोई उन्माद था क्या? श्रुति ने क्यों कहा पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद संवत्सर की उत्पत्ति हुई? आगे न पूरा, इससे पहले संवत्सर नहीं था, श्रुति ने और निषेध मुख से कह दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? बात ठीक है या ना? पृथ्वी बनेगी तब दिन रात्रि की कल्पना होगी, या दिन रात्रि की कल्पना होगी तब पृथ्वी बनेगी? हाँ, यह अब देखिए श्रीमद्भागवत का तीसरा स्कंद पढ़ के संवत्सर वाला जो प्रकरण उसका अर्थ लगेगा। स संवत्सरो भगवत संवत्सर संवत्सर काल निर्माता संवत्सर प्रजापति रहोत। काल निर्माता और प्रजापति हो गया, टिप्पणी कौन इसमें न दो है? टिप्पणी क्या कौन सी संख्या है? तीन है। प्रजापति इति आदित्यात्मक संवत्सरो भवत, ये कहा आदित्यात्मक संवत्सर हुआ इन्होंने टिप्पणी में कहा। आदित्यात्मक सं पृथ्वी कहाँ चली गई फिर? आदित्य तो पहले से ही था, आदित्य सापेक्ष संवत्सर तो है लेकिन आदित्य ही संवत्सर नहीं है। क्या अंतर पड़ गया? है होता तो पृथ्वी की रचना के बाद संवत्सर की उत्पत्ति कैसे होती? टिप्पणी की मैं निंदा नहीं करता, बहुत बढ़िया है, लेकिन आदित्यात्मक बढ़िया है, आदित्य रूप न रहे सूर्य ही ना हो तो संवत्सर कहाँ से होगा? लेकिन सूर्य रहें तो भी संवत्सर कैसे होगा? सौरमंडल में तो अखंड दिन ही दिन है, रात्रि और दिन की विभाजक रेखा नहीं है, तो संवत्सर जो है पृथ्वी रूप है, आदित्य रूप है, उभय रूप है, उभय रूप है या नहीं? हाँ क्या आदित्य संवत्सर संवत्सरियो प्रयोज्य प्रोजक भावात अभेद इति किसका? पृथ्वी से नहीं दिया है, आदित्य और संवत्सर की बात है जी, आदित्य और संवत्सर की बात कह रहे हैं। हमने पृथ्वी जोड़ा, हमने कुछ और जोड़ा है। हाँ वो आदित्य से काल की गणना जो है संवत्सर की वो किससे होती है? आदित्य से। लेकिन प्रश्न उठता है कि आदित्य रहें और पृथ्वी न रहे, आदित्य की उत्पत्ति हो जाए पृथ्वी की उत्पत्ति न हो जाए तो संवत्सर की सिद्धि होगी क्या? इसीलिए श्रुति ने आदित्य की उत्पत्ति के बाद में, वायु की उत्पत्ति के बाद में, जल की उत्पत्ति के बाद में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में संवत्सर की उत्पत्ति का वर्णन किया। ये भूगोल आ गया यहाँ पर, क्या कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? अध्यात्म रामायण में आया है सौरमंडल में दिन रात्रि की विभाजक रेखा कहाँ है? हमारी दृष्टि में दिन रात की विभाजक रेखा है ना, वो पृथ्वी मूलक है। पृथ्वी हो और आदित्य ना हो तो भी काम नहीं चलेगा, और आदित्य हो पृथ्वी ना हो तो भी संवत्सर की सिद्धि नहीं होगी। अब लीजिए श्रीमद् भागवत में जो काल का वर्णन, सबसे सूक्ष्म काल किसको कहते हैं? परमाणु काल। परमाणु जो सबसे सूक्ष्म विभाग जिसका और विखंडन नहीं हो सकता पृथ्वी जल तेज वायु के, यहाँ पृथ्वी का ले लीजिए, उसको पार करने में सूर्य की रश्मि को जितना समय लगता है वो कौन है? परमाणु काल। आज के ज्योतिषियों को ये सब नहीं मालूम। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में बहुत बढ़िया और द्वादश स्कंद में भी परमाणु काल का वर्णन है। फिर वो कितना कितना होके क्या बनता है? परमाणु काल के बाद में फिर कालांतर में कौन सा काल होगा? त्रुटि, त्रुटि युगायते, त्रुटि। फिर क्या है? वेद है। फिर क्या है? लव। फिर क्या है? निवेश, निमेश, लव निवेश। फिर क्या है? क्षण।
क्षण के बाद क्या है काष्ठा, काष्ठा के बाद कौन सा है कालावयव लघु, लघु के बाद नाडिका, नाडिका के बाद मुहूर्त, मुहूर्त के बाद में प्रहर, प्रहर के बाद याम, याम के बाद दिन रात, फिर आप सप्ताह ले लीजिए पक्ष, फिर मास, फिर ऋतु, फिर अयन, फिर संवत्सर, ये हुआ ना। इसका मतलब आगे आएगा कि संवत्सर पर्यंत गर्भवता बना रहा है हिरण्यगर्भ, संवत्सर पर्यंत, संवत्सर को गर्भ में धारण किए था, इसका अर्थ क्या हुआ, संवत्सर पर्यंत संवत्सर को गर्भ में धारण किए था। तो अब इसमें दिमाग चकरा जाता है, तत्काल क्यों नहीं जन्म दे दिया। इसका मतलब ये है, ये ज्योतिष का बहुत सूक्ष्म अंश हुआ, संवत्सर पर्यंत प्रजापति ने संवत्सर को गर्भ में धारण किया, उसके बाद प्रकट हुआ संवत्सर। इसका अर्थ है संवत्सर बनने में संवत्सर काल चाहिए, परमाणु काल को संवत्सर बनने के लिए जितना समय चाहिए उतने समय तक गर्भ में संवत्सर बना रहा। एकाएक संवत्सर की प्राप्ति थोड़े हुई क्या, बोलो भाई, क्या जितने देर तक गर्भ में धारण, ये नहीं गर्भ में रहा फिर वो तो हो गया, एक दूसरे पर निर्भर हो गए। जितने देर तक वो गर्भ में रहा उतने देर का नाम संवत्सर है, ये कहें संवत्सर पर्यंत संवत्सर गर्भ में रहा, बात तो ऐसा ही है, उसका अभिप्राय क्या है, संवत्सर जब था ही, संवत्सर जब था ही तब, तो उसका अर्थ है गर्भोपनिषद आदि के अनुसार लगाएंगे, लाला या लाली पेट में एक क्षण में आ जाए क्या, रेत, रेत किसे किस क्रम से बनते 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 6 महीने में 7 महीने में लाला बने लाली बने, उसमें फिर इंद्रियों का संचार हो, फिर भूख प्यास का संचार हो, वो जो रेत है उसको लाला लाली बनकर भूख प्यास भी लगे तब गर्भ के बाहर आने योग्य हो, उसमें समय लगेगा या नहीं, कहाँ समय नहीं लगेगा। अप्सरा तत्काल गर्भ धारण करके उसकी ऊर्जा इतनी होती है, अप्सरा के गर्भ में इतनी ऊर्जा होती है तत्काल गर्भ का धारण करके इतने द्रुत गति से वो तत्काल लाला लाली बन के प्रकट हो जाए, जैसे शकुंतला, ऐसे जैसे भगवान वेदव्यास, ये सब ये अप्सराओं के उदर की चमत्कृति है। कि वर्ष जैसे कोई है ना, अब 10 किलो गेहूं डाल दिया आटा बन के इतनी देर में तैयार, और चक्की से बनाएंगे तो चक्की से 10 किलो गेहूं को आटा का रूप देंगे तो वो लोक विशेष में क्या गर्भ धारण नहीं करती। और एक विचित्र बात है, जन्म दिया बच्चे या बच्चे को पालन भी नहीं करती, मरना हो मरो जियो जिनो हम गई अपने घर, मेनका हो कुछ भी शकुंतला का पालन किया बाबा ने, नष्टिका ब्रह्मचारी कर्ण ऋषि ने, वो तो हुआ एक्सीडेंटल उत्पत्ति हो गई अपनी भगी, विश्वामित्र अपने को कुछ क्षीण मान करके भगे तपस्या करने, और माता जिसने जन्म दिया वो अपना चली गई, लो बच्चे को जो पालन करे करे उसका भाग्य हो तो जिए न मरे क्या हुआ। जैसे जैसे है कि चट्टान पे भी पीपल बट सब उत्पन्न हो जाते हैं या नहीं, उसके लिए खाद पानी से गुजरते हैं, इसका मतलब उनके बीज में इतनी उर्वरा शक्ति होती है कि वो झट पर क्या मनुष्य के सर पे भी उग सकते हैं अगर वो हाथ वाथ में मले तो, पीपल का पेड़ या बट के बीज में लग जाए तो यहाँ से भी क्या पता निकल ही आवे वो उर्वरा। तो गर्भ क्या हुआ, अप्सराओं का गर्भ गर्भाशय इतना उर्वर होता है कि वहाँ पर फिर संवत्सर पर्यंत उसको रखने की आवश्यकता नहीं। मानवोचित ढंग से कहा, वो जो रेत था बीज, वो बीज को संवत्सर होने में कितना समय लगा, ये गणित का हिसाब हो गया। नहीं संवत्सर पहले था तो उसको फिर 1 साल तक घर में रखने की क्या जरूरत रही, वही कहा
परमाणु काल से लेकर संवत्सर काल पर्यंत ये घाटी पार करने में क्या है, काल का बीज तो आ गया, बीज क्या है परमाणु काल, परमाणु काल पुष्ट होते 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 इतनी घाटी पार करने में, अयन ऋतु के बाद अयन अन्न के बाद संवत्सर होने में, उसको जैसे कहा कहेंगे ना 9 महीने में गर्भ में रहकर इस बालक का जन्म हुआ है, ऊपर से ऊपरी बात है या अंदर की बात है, ऊपरी बात है, 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुआ हूँ, 9 महीने लाला बन के थे या लाली बन के थे, 9 महीने में किस क्रम से गर्भ पुष्ट हुआ, कितने साल, 7 महीने तक में जो बहुत दुर्बल पैदा हो जाता है, 6 महीने आदि में मरा हुए पैदा होता है, इसका मतलब है कि अन्न भावापन होते होते कलील ये सब होते होते गर्भोपनिषद के अनुसार माने लाला या लाली का जो बीज है, पशु या गाय या बछड़े का जो बीज है उसको गाय बछड़ा होने में और माँ के गर्भ से बाहर आने में समय लगता है या नहीं, तो वास्तव में कालावयव जो परमाणु काल, वो परमाणु काल संवत्सर का रूप धारण करे उसमें संवत्सर पर्यंत अवधि की आवश्यकता थी, ये अर्थ हुआ। ऊपर से लगता है कि संवत्सर तो बन ही गया, जैसे लगता है 9 महीने तक तुम्हें गर्भ में रखा हूँ या रखी हूँ कह के, यहाँ तो रखा ही हूँ होगा, क्योंकि गर्भवती कौन हुआ, गर्भवता हिरण्यगर्भ ही हुआ, इसका अर्थ क्या, वही माता वही पिता हो गया। अब जब संवत्सर हो गया तो उसमें तादात्म्यापत्ति आ गई, संवत्सराभिमानी हो गया प्रजापति, क्या हिरण्यगर्भ तो था ही, संवत्सर का अभिमानी होते ही वह प्रजापति हो गया। नौहा पुरा पूर्वम ततस्तस्मात् संवत्सर काल निर्मातुः प्रजापते संवत्सर कालो नाम नास न बभूव प्रसिद्ध नहीं ततः पूर्व हो गया। अब कहते हैं ये तो बहुत विचित्र बात कह रहे हो, संवत्सर हुआ इतनी सृष्टि बन गई और संवत्सर था ही नहीं, कहते बिल्कुल ठोक बजा कर कहता हूँ नहीं था संवत्सर, तब दिमाग तो चकरा जाएगा, अरे पृथ्वी हुई तो बिना काल के हुई होगी, किसी न किसी काल में तो हुई होगी, कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो किसी न किसी देश में किसी न किसी काल में उत्पन्न होती है या नहीं, कहते काल तो था संवत्सर नहीं था, कहा भृगु जी अंतर क्या हुआ, सर हिला रहे मुँह से तो बोल, काल था संवत्सर नहीं था, इसका अर्थ क्या हुआ, कालावयव है संवत्सर, काल तो था लेकिन संवत्सर नहीं था, दोनों मंत्र हुआ या नहीं, संवत्सर की सिद्धि तो तब तक हो ही नहीं सकती जब तक उधर आदित्य ना हो इधर पृथ्वी ना हो, आदित्य लोक में तो दिन रात की गति नहीं है तो संवत्सर की गति कहाँ से है, क्या ध्यान गया, आदित्य लोक में जब दिन रात की गति नहीं है तो संवत्सर की गति है क्या, आदित्य के आयु का जो अंकन करेंगे तो क्या करेंगे हम, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार करेंगे या वहाँ के अनुसार, आदित्य मंडल में तो 24 घंटे दिन ही दिन है, दिन रात्रि द्वंद्व कोटि के काल की दिन रात्रि की वहाँ पहुँची नहीं है, तो क्या अर्थ हुआ, मर्त्यलोक में संवत्सर है या आदित्य लोक में, सूर्यास्त और सूर्योदय मर्त्यलोक में है या आदित्य मंडल में, वहाँ भी सूर्योदय होता है क्या, क्या पता कहो सूर्य होता होगा, ऊपर के लोग में सूर्योदय तो होता ही होगा, हाँ कही हाँ ही कह दो क्या करें, पृथ्वी पर ही होगा, हैं पृथ्वी पर ही होगा, हाँ या आदित्य मंडल में सूर्योदय सूर्यास्त होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए मर्त्यलोक में पर्वत ये सब का है ना,
इधर गए उधर गए, सूर्योदय सूर्यास्त दिन रात्र, ये पृथ्वी को लेकर है या आदित्य मंडल को लेकर? पृथ्वी की प्रधानता से आदित्य तो हैं, लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त क्षण होकर संवत्सर, ये सब क्या मर्त्यलोक की गणना के अनुसार है या नहीं? तो ज्योतिष भी हो गया या नहीं? एक ही मंत्र या ब्राह्मण के अर्थ में कितने विषय आ जाते हैं, मनोविज्ञान आ जाता है, ज्योतिष आ जाता है, व्याकरण आ जाता है, क्या क्या विषय नहीं आते। क्या कह रहे क्या कह रहे पंचभूत भी काल है लो, जो जिसका संहारक हो उसका काल, पार्थिव प्रपंच का काल कौन है? पृथ्वी, जिसने जन्म दिया वही काल। इसलिए माता पिता से सावधान रहना चाहिए, आधुनिक व्यक्ति यही कहेंगे ना, अरे जो जन्म देता है वही काल होता है या नहीं? कौन? लोक में नहीं, वहाँ। पार्थिव प्रपंच के लिए काल कौन है? उपादान कारण पृथ्वी। पृथ्वी के लिए काल कौन है? जल। जल के लिए काल कौन है? तेज के लिए काल कौन है? वायु के लिए काल कौन है? ये सब वस्तु भी हैं या नहीं? ये सब देश भी हैं या नहीं? देश काल वस्तु की एक रूपता हो गई या नहीं? क्या अब ये भी चीज़ अप्रसिद्ध जैसी है या नहीं जो मैं कह रहा हूँ? देश काल वस्तु विवक्षावसात एक ही को देश, एक ही को काल, एक ही को, महाभारत में लिखा पृथ्वी का नाम देश है। उपलक्षण देश माने दिख, दिख विभाग जो है पृथ्वी, अभी हम लैंड पूर्व पश्चिम क्या होगा, इससे ऊपर नीचे, मान लीजिए जल राशि ही हो तो वहाँ दिख कौन है? जल। अच्छा काल भी कौन है? उपादान कारण का नाम काल हो जाएगा, दिक काल वस्तु तो है ही। क्या पृथ्वी वस्तु है, पृथ्वी देश है, पृथ्वी काल है। अब आगे जल वस्तु है, जल देश है, जल काल है। आगे तेज वस्तु है, तेज देश है, तेज काल है। फिर आगे वायु वस्तु है, वायु देश है, वायु काल है। फिर आकाश देश है, वस्तु है, काल है। फिर चलो प्रकृति तक, या हम ये सब प्रकृति क्या है? देश है, वस्तु है, काल है। भगवान ही देश हैं, भगवान ही वस्तु हैं, भगवान ही काल हैं। ये हमने प्रवचन किया होगा पूज्य स्वामी खन्ना जी महाराज के सामने 78 में लगभग, अनुमान से डायरेक्ट में लिखता नहीं, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। हमने कहा भगवान ही देश हैं, भगवान ही काल हैं, भगवान ही वस्तु में सिद्ध हो गए हैं। जिसको हम देश कहते हैं वही काल हो जाता है, वो वस्तु तो है ही। एक ही में विवक्षा वसात काल का प्रयोग होता है, देश का प्रयोग होता है। जो जिसका मारक हो जाए, और जो जिसका स्थापक हो जाए, और जो जहाँ स्थापित हो जाए, और जो जहाँ स्थापित हो जाए, बस जो जिसका मारक हो जाए वो क्या हुआ? जो जहाँ मारक हो जाए, जो जहाँ देश हो गया, और वस्तु स्थापक जो जिसमें प्रतिष्ठित हो जाए तो वस्तु है या नहीं? एक ही वस्तु विवक्षा वसात देश भी है, काल भी है, वस्तु भी है। कहेंगे ये कहाँ लिखा है? देख लीजिए महाभारत में पृथ्वी का नाम देश लिखा है, पृथ्वी वस्तु भी है या नहीं? और जब प्रलय काल का वर्णन होगा भागवत आदि में तो पार्थिव प्रपंच कहाँ लय होगा? पृथ्वी काल भी हो गए या नहीं? पृथ्वी काल है, पृथ्वी जननी है, पृथ्वी जो उत्पादक है वही मारक होगा या नहीं? क्या जो उत्पादक होगा वही मारक होगा? हैं हो गया ना। हाँ बढ़िया। न पुरा पूर्व ततस्तस्मात् संवत्सर काल निर्मातु प्रजापते संवत्सर कालो नाम नाश न बभूव।
इससे पहले संवत्सर नामक काल नहीं था। निर्माता कौन? हिरण्यगर्भ ने संवत्सर नामक काल को जन्म दिया। उस संवत्सर नामक काल में तादात्म्यापत्ति के कारण उसका नाम प्रजापति हो गया। तम संवत्सर काल निर्माता राम अंतर्गर्भ प्रजापति प्रजापति में आवानी प्रसिद्ध काला एतावंत मेतावत संवत्सर परिणाम परिमाणम कालम अविभृतवान मृत्यु हो। इस प्रकार से अब कहते हैं जब गर्भ में रहा तो बताइए कितने समय तक गर्भ में रहा। कहते जो रहा उतने समय तक रहा। क्या कौन रहा कितने समय तक रहा? जो रहा उतने समय तक रहा। गोलमटोल बात हुई। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु काल को संवत्सर का रूप धारण करने के लिए परमाणु त्रुटि वेद लव निवेश क्षण काष्ठा लघु नाडिका मुहूर्त प्रहर याम दिन रात पक्ष मास ऋतु अयन इतनी घाटी पार करनी पड़ी, तब जाकर उसका संवत्सर रूप हुआ। जैसे गर्भगत कलिल इत्यादि स्त्री या पुरुष या नपुंसक का रूप धारण एक क्षण में नहीं कर ले, वैसे ही संवत्सर भी बनते 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 बना। यही हुआ ना? नहीं तो संवत्सर पूरा था ही तो उसी क्षण पैदा हो जाते। नहीं, संवत्सर भी बनते 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 बना, क्योंकि संवत्सर प्रथम काल नहीं है। क्या संवत्सर नहीं, परमाणु काल प्रथम काल है। पार्थिव परमाणु को सूर्य की रश्मि जितने समय में पार करती है, मैंने अब छेक लेती है, पार करती है, उतने समय में क्या हुआ? उतने समय का नाम परमाणु काल। ठीक है, वो बढ़ते बढ़ते संवत्सर 360 दिन जो भी कहते थे, तो संवत्सर पहले से गर्भ में था या नहीं? संवत्सर का मौलिक स्वरूप पहले से था। उस मौलिक स्वरूप को पूरा संवत्सर का रूप धारण करने में एक वर्ष लगा। इस ढंग से अर्थ करेंगे, समझ में आया नहीं? गोलमटोल संवत्सर पर्यंत संवत्सर क्या हिरण्यगर्भ के गर्भ में रहा। क्या कह रहे? पृथ्वी बन सूर्य से पृथ्वी बनने में एक साल लगा होगा, वो तो भृगु संहिता देखनी पड़ेगी। ज्योतिष का ग्रंथ है भृगु संहिता, वो देखने की जरूरत होगी। सूर्य से पृथ्वी बनने में संवत्सर, पृथ्वी से संवत्सर बनने में फिर कितना लगा? सूर्य से पहले तो सूर्य से क्या बना? मान लीजिए सूर्य से क्या बना? जल। सूर्य से जल बनने में कितना समय लगा? जल से पृथ्वी बनने में कितना समय लगा? फिर पृथ्वी से संवत्सर बनने में कितना समय लगा? सब एक एक साल लगा होगा। भृगु संहिता ज्योतिष का सबसे बढ़िया ग्रंथ भृगु संहिता, ज्योतिष सबसे ऊँचे भृगु जी। क्या के संवत्सर बोलते हैं एक वर्ष को बोलते हैं। हाँ, इतने समय में सूर्य का एक बार परिक्रमा इस पृथ्वी पर परिक्रमा कर लेते हैं। कौन? सूर्य को एक बार सूर्य जो परिक्रमा कर लेते हैं किसकी? पृथ्वी की, एक साल में एक बार। यही है भागवत आदि में। नहीं फिर उसका अर्थ सीधा ही है, सूर्य ना हो पृथ्वी ना हो, सूर्य ना हो पृथ्वी हो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। सूर्य ही हो पृथ्वी ना हो तब संवत्सर की रचना नहीं होगी, क्योंकि दिन रात्रि की विभाजक रेखा केवल सूर्य को लेकर नहीं है। सूर्योदय सूर्यास्त, जब सूर्य नहीं होंगे तो सूर्योदय सूर्यास्त कैसा? पृथ्वी नहीं होगी तो सूर्योदय सूर्यास्त कैसा?
सूर्य में सूर्योदय सूर्यास्त का आधायक तत्व कौन है? पृथ्वी। उस संवत्सर काल की सिद्धि कैसे होगी? पृथ्वी के पार्थिव परमाणु को सूर्य की रश्मि जितने क्षण में छेक लेगी, पार कर लेगी। मान लीजिए यहाँ से चींटी चली, यहीं तो बैठी नहीं रहेगी, जितने क्षण में इतनी जगह पार की, फिर आगे चली गई। ट्रेन भी तो ऐसे होते हैं, आंधी भी आती है तो उधर से चलती चलती चली जाती है। इसका मतलब यही हुआ ना कि परमाणु काल को संवत्सर का रूप धारण करने में जितना समय लगा, उतने समय में संवत्सर परिपुष्ट होकर गर्भ से बाहर आने की स्थिति में हुआ। क्या अर्थ हुआ? किसको? पूरी पृथ्वी को छेकने में, ये मान लीजिए तो अंक में हुआ क्या? संवत्सर काल हुआ तो मानना तो वही पड़ेगा ना, एक क्षण में संवत्सर हो गया क्या? मानना तो यही पड़ेगा, वो तो देखेंगे ना। सूर्य जो है पृथ्वी को कितने, सूर्य बड़ा है पृथ्वी बड़ी है? सूर्य बड़ा है या पर अच्छा फिर शास्त्रार्थ बाद में कर लेते, सूर्य बड़ा है या पृथ्वी बड़ी है? पृथ्वी को छेकने में सूर्य को कित, सूर्य बड़ा है या पृथ्वी? आकाश जो है पृथ्वी को छेकने में कितना समय लगाएगा? देखो सुना, सूर्य की रश्मि और सूर्य में अंतर है या नहीं? सूर्य की जो रश्मि होगी वो परमाणु को लांघेगी या सूर्य लांघेंगे? सूर्य पृथ्वी को लांघने की क्या जरूरत है? सूर्य को रश्मि ना, किसको? पूरी पृथ्वी को कैसे छेकेगी? कितनी, कौन सी रश्मि? रश्मि एक ही है क्या? भाई जो रश्मि सूर्य की, अमुक परमाणु पृथ्वी के परमाणु एक ही हैं क्या? असंख्य हैं। सूर्य की रश्मियाँ भी परमाणु विशेष को रश्मि विशेष छेकेगी या सारे परमाणु को रश्मियाँ छेक लेंगी? परमाणु विशेष को रश्मि विशेष छेकेगी, उसका नाम हो गया परमाणु काल। अब चूँकि छेकना का अर्थ क्या हुआ, सूर्य का क्षेत्रफल ज़्यादा है या पृथ्वी का? सूर्य अपने आप में तो छेके हुए हैं ही हर समय, क्या वो तो छेकने का काम रश्मि को लेकर है। सूर्य की रश्मि तो कौन सी रश्मि? सूर्य की रश्मि छेकती है पूरे पृथ्वी को, कहने पर सूर्य में लक्षणा करना पड़ेगा। सूर्य छेकेंगे कैसे? वो तो छेके हुए हैं क्या? कौन सी रश्मि? एक रश्मि है क्या? नहीं, लाखों परमाणुओं को मिलकर के तो बृहद पृथ्वी बनी। परमाणु पहले बने या पृथ्वी पहले बनी? परमाणु पहले थे या पृथ्वी पहले बनी? अब पृथ्वी कहते किसको है? परमाणु द्वारों को होते 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 हुए महापृथ्वी बनी ना। क्या परमाणु को पहले सूर्य की रश्मि छेकेगी या पृथ्वी को? पृथ्वी बनने तो दीजिए पहले। पार्थिव परमाणु का नाम ही पृथ्वी थोड़े है, परमाणु आरंभवाद के अनुसार। क्या दो परमाणु मिलके द्वाणु, तीन परमाणु मिलके त्रिण होते 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 महापृथ्वी की आरंभवाद के अनुसार उत्पत्ति होती है। पृथ्वी को छेकेगी, कौन छेकेगा? पृथ्वी के मूल को छेकेगी रश्मि। पृथ्वी का मूल कौन है? पार्थिव परमाणु। सूर्य किसको छेकेंगे? पृथ्वी को। वो तो छेके हुए हैं क्योंकि सूर्य का क्षेत्रफल ज़्यादा है पृथ्वी का, ठीक है? सूर्य का क्षेत्रफल ज़्यादा है पृथ्वी का, उनको छेकने की क्या जरूरत है? बादल जो है सूर्य को छेक, मेघमंडल जो है वो सूर्य को छेकेगा या सूर्य मेघमंडल को छेकेंगे? बादल तो एक देश में आकाश में, ठीक है?
अब आकाश कोई जो है आकाश छेकने की जरूरत है, पृथ्वी को आकाश कितने काल में छेकेगी छेकेगा, बृहत है ना। रेलगाड़ी चलती है, पृथ्वी का क्षेत्रफल ज़्यादा है रेलगाड़ी का, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी छेकेगी यहाँ से वहाँ तक, ऐसे तो सूर्य को चलना नहीं है क्या। सूर्य को चलना, सूर्योदय सूर्यास्त की जो बात आप कह रहे हैं ना, तो पृथ्वी के बिना सूर्योदय सूर्यास्त नहीं होगा। उस छोर से चले उस छोर तक मंदराचल पर्वत ये सब, उसमें तो कल्पना पृथ्वी की पहले करनी पड़ेगी। सूर्य का क्षेत्रफल चूँकि अधिक मानेंगे पृथ्वी से, तो छिपके हुए है ही क्या। इस कमरे हमने कमरा को छेक रखा है, कमरा ने हमको छेक रखा शरीर की दृष्टि से। कमरे का क्षेत्रफल ज़्यादा है, एक कमरा इधर आके जरा छेक लेना, कमरा का क्षेत्रफल ज़्यादा है, उसमें हम लोग जो बैठे हैं वो पहले से छेके हैं, उसको चल करके गतिशील होकर छेकने की क्या जरूरत क्या। ये हो चलो जी की गल है, यावान संवत्सरी है प्रसिद्ध ततः परस्तात् किम कृतवान। लोक में जो संवत्सर की अवधि निर्धारित है उतने समय तक हिरण्यगर्भ के गर्भ में संवत्सर रहा, अर्थात उतने समय में संवत्सर अपने पूर्ण स्वरूप को धारण कर पाया। लक्षणों से अर्थ करना पड़ेगा। तथा परस्तात् किम कृतवान, फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ गया, ये कुछ किया किसने ना। तमेतावत कालस्य संवत्सर मात्रस्य परस्तात् ऊर्ध्वम् असृजत् सृष्टवान् अंडम् अभिनत् इत्यर्थ। अब कहा कि उसको फोड़ दिया अंड को क्या। अब देखिए इसमें ही बहुत बड़े विज्ञान है। हम लोग शरीर के दृष्टि से कौन प्राणी हैं, अंडर स्वेदर जरायुज या उद्भिज, जरायुज। लेकिन आधुनिक विज्ञान भी कहता है स्त्रीगत अंडे होते हैं, आजकल माना जाता है विज्ञान। हम लोग भी पहले क्या होते हैं, अंडर जो होते हैं गर्भ में, स्वेदज तो ही गए, स्वेद उपलक्षण है। स्वेद माने मलमूत्र से पैदा होने वाले भी स्वेदज कहे जाते, स्वेद माने पसीना है नहीं उपलक्षण। तो पहले हम हो गए स्वेदज क्या है, उसके बाद धीरे धीरे हो गए अंडज, ठीक है। अंडा को फोड़ के निकले क्या अंडज हो गए, अंडज के बाद क्या हो गए जरायुज हो गए, ठीक है। अब बीच में जो उद्भिज होते हैं, उद्भिज क्या हो गए, पृथ्वी को फोड़ के निकले, माँ के गर्भ से निकले। इसका मतलब प्रधानता से हम लोग जरायुज हैं, लेकिन सारी घाटी पार करनी पड़ती क्या। अंडज भी होते हैं हम लोग, स्वेदज तो हो ही गए, अंडज भी होते हैं, उद्भिज भी होते हैं, जरायुज भी होते हैं। जरायुज होते हैं, बछड़े को देखा माँ उसके जेर को चाट लेती वात्सल्य रस। यहाँ जो है नर्स इत्यादि जेर को हटा देते, बालक फिर प्रकट हो जाता है ठीक ढंग से। तो जरायुज प्राणी भी ये बीच की घाटी पार करते या नहीं, इसलिए अंड को उसने क्या किया, कर दिया। उत्पन्न हुआ अंड सहित, उसके अंदर से तो उसको निकालना था ना, काल को फोड़ दिया। अंडम अभिनद इत्यर्थ। तमेवम कुमारम जातम अग्निम प्रथम शरीरम। इसके बाद क्या हुआ जी, वो कुमार हो गया। अब विचित्र बात, वर्णन चल रहा था संवत्सर का, और लाला उत्पन्न हुआ अग्नि कुमार के रूप में, मनुस्कंद के रूप में अग्नि कुमार।
कुमार का नाम फिर अग्नि हो गया क्या? यहाँ तमेतम तमेवम कुमारम जातम अग्निम प्रथम शरीरम अस्नाया बत्वान मृत्यु हो अभी व्यादत मुख विदारणम कृतवान अत्तुम। वो जो संवत्सर जो नामक जो अंड को फोड़ के निकला, इसका मतलब प्रजापति ने उसको व्यक्त किया अंडज के रूप में। अंड को फोड़ दिया तो अंड से ही वो क्या निकले गया, अग्नि का रूप उसने कुमार ने धारण कर लिया। उसको फिर देखा कि बढ़िया है, गोरा चट्टा ठीक तेजस्वी, तो अन्न बन जाएगा। प्रजापति माने वही हिरण्यगर्भ ने उसको खाने के लिए मुँह बा दिया, जिसको जन्म दिया उसी को खाने के लिए मुँह बा दिया। तो अगर हिरण्यगर्भ किसी को खाने के लिए मुँह भी बा दे तो लाभ क्या है? आगे कोई ना कोई कार्य उत्पन्न होगा, उसकी तो कोई चेष्टा व्यर्थ नहीं होती है। अब उस यहीं क्या बहुत विकट कहानी, देसी जो कुतिया होती है जब उसको भोजन नहीं मिलता है तो बच्चे को ही खोपड़ी पहले खा लेती, बच्चा चिल्लाता माम उसी के आश्रय लेगा। लेकिन ज़्यादातर कुत्ते के बच्चे माँ ही खा लेती है, उसके सबसे पहले खोपड़ी ही खाती है ताकि मर जाए। देखा है होता है, बड़ी विकट स्थिति है। तो मानो वो जो बच्चा पैदा हुआ ये बढ़िया भोजन है, तो मांसाहारी जीवों से सावधान रहना चाहिए। क्या पता बेटे को काट के मांस खा बना के खा ले। तो यहाँ पर क्या हुआ, लपटा वो डर गया बेचारा। क्यों डरा, इस पर कहते सौ टिप्पणी एक है क्या, सब भाण करो या भाण, एकाएक उससे निकला भाण, वही वाक हो गए पहले कहा था। सच कुमारो भीता स्वाभाविक क्या विद्या युक्त, इसका मतलब ये है सूर्य मनोविज्ञान निकलेगा। वर्णन चल रहा था संवत्सर का, प्रथम कुमार कह दिया अग्नि को। संवत्सर और अग्नि में तो साम्रवण से तालमेल नहीं बैठता, उभर सूर्य है इधर संवत्सर है, दोनों के योग से अग्नि की निष्पत्ति कैसे होती होगी, ये विज्ञान का विषय हो गया क्या। सूर्य और संवत्सर, संवत्सर मर्त्यलोक में होगा या नहीं, सौर मंडल में संवत्सर होगा या मर्त्यलोक में? मर्त्यलोक में संवत्सर होगा, तो वो सौर सूर्य जो है सन्निकट आ गया ना मर्त्यलोक में, भाव जगत में सन्निकट सूर्य का नाम अग्नि हो गया। लो तालमेल कैसे बैठाएंगे। अरे अभी संवत्सर का वर्णन चल रहा था, आप कहने लगे प्रथम कुमार अग्नि, उधर क्या है पृथ्वी रूप अंड को फोड़ के अग्नि की निष्पत्ति हुई कहा था या नहीं। अब यहाँ संवत्सर का वर्णन चलते चलते संवत्सर से आग कैसे, आग की उत्पत्ति कैसे हो गई, तो मनोविज्ञान आनंद गिरी जी सब इस पर अपने मौन ही रहेंगे। परंतु एक विचित्र बात है, वर्णन चल रहा था संवत्सर का, अब वो कुमार अग्नि के रूप में उसका वर्णन कैसे कर दिया। इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी को लेकर संवत्सर की सिद्धि होती है, केवल सूर्य को लेकर नहीं। तो मानो वह सूर्य जब पृथ्वी में भूमंडल में संवत्सर के रूप में अवतीर्ण हुआ तो उसी का नाम अग्नि हो गया क्या, कहो जी। संवत्सर भूमंडल में अवतीर्ण हुआ तो अग्नि कौन, क्यों सूर्य, सूर्य जब पृथ्वी के योग से संवत्सर हुआ, पृथ्वी का भेदन करके उसी का नाम अग्नि हो गया, अर्थात पार्थिव अग्नि। अर्थात क्या हुआ, सन्निकट सूर्य का नाम आग है अग्नि, सन्निकट सूर्य का नाम अग्नि, ये हुआ। उसने कह दिया भाण, डर गया तो आवाज कोई ना कोई, किसी के मातृभाषा क्या है जाननी हो, पता कई भाषा बोलता हो, पीछे से तेरा धक्का मार दो,
एकाएक कोई घटना घट जाए तो अपनी मातृभाषा झट से बोल देगा क्या कोई चार पांच भाषा जानता हो बोलता हो पता नहीं इसकी मातृभाषा क्या है, एकाएक कोई दुर्घटना घट जाए या पीछे से छींक मार दो या धक्का दे दो पहले वही मातृभाषा निकलेगी, पकड़ लो कि वो है एक थी पगली माँ, एक पगली माँ सिर्फ मन के घूमती थी, थी तो पगली जैसी लेकिन वो मोती झील से लेकर उड़िया हुआ आश्रम तक ही रहती थी। उसको कोई सर्दी के दिनों में साड़ी दे दे कुछ मतलब नहीं, सफाई कर्मी महिला आती थी उसके ऊपर से साड़ी ले जाती थी बड़े बिचारे। घिसा पंत घिसा आश्रम है या नहीं कहाँ मोती झील पर, एक बाबा जो था कुछ और जाति का था बन के कुछ और रहा था, श्यामा शरण जी ने बताया। अब वो बाबा जो है उस महिला को छेड़ दिया मैंने कुछ गाली वाली या डंडा वंडा कुछ दिखा दिया, और उस बाबा की जो जाति थी वही लेकर बोला कहीं क्या, उसको क्या मालूम हो तो किसी बात भी नहीं करती थी। बाबा ने छेड़ दिया सब दौड़े, अरे वो महिला है तुम्हारा क्या बिगाड़ता बाहर बैठी है बैठने दो। उस महिला ने उसकी जो असली जात थी वही लेकर बोल दिया। अब श्यामा शरण जी नहीं आए, अब तू उस महिला ने बोला है तो सचमुच ने बता तू कौन है, नहीं तो तुम्हारे गांव जाएंगे ये करेंगे बांधेंगे जेल में डालेंगे कितना धमका है। उसने कहा वो जो उसने जो कहा वही हूँ मैं तब से श्यामा शरण जी ने प्रचार कर दिया और सिद्ध माता है क्या भाण बोल दिया किसने वो कुमार ने डर के मारे खा ना जाए। क्यों ऐसा किया, स्वाभाविक क्या अविद्या, कुमार जो था वो कोई शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर थोड़े उत्पन्न हुआ था, स्वाभाविकी अविद्या से युक्त होने के कारण बेचारा डर गया है मेरा कचुमर ही निकाल लेगा जन्म दे के खा ही जाएगा। इससे क्या हुआ, उसके मुंह से कोई शब्द निकला बस बस प्रजापति का काम बन गया, वही वाक हो गए क्या। प्रजापति का डरना डराना खाने के लिए दौड़ना सब सार्थक है निरर्थक, थक जाना आगे आएगा, प्रजापति थक गया तप्त हो गया संतप्त हो गया। प्रजापति जो कुछ करे उससे समझिए कुछ ना कुछ आगे का काम बनेगा क्या, वह निरर्थक कुछ नहीं है क्या। प्रजापति माने हिरण्यगर्भ के जीवन निरर्थक कुछ नहीं है क्या, छींक दे तो कुछ न कुछ जन्म लेगा, थक जाए तो कुछ न किसी को उत्पन्न करेगा, उसका रोना हंसना खाने के लिए दौड़ना सब सार्थक। भाण इत्येवं शब्द मकरोत, भाण को क्या कहते उड़िया में शब्द ही भाण क्या शब्द है, हाँ भाण वही, उसके मुँह से डर के निकल गया भाण। शब्दम अकरोत सैव वाक अभवत, बस हो गया लाला के मुँह से। अब देखिए अग्नि को खाने के लिए दौड़ा, उसके मुँह से क्या निकल गया भाण। अधिदैव कौन है वाक के, तो डर गया अधिदैव तो उससे निकल आया कौन अधिभूत, आनंद गिरी जी लिखे अधिदैव कौन हुआ सूर्य ने, हाँ अग्नि अग्नि अधिदैव हुआ, तो अध्यात्म कौन होगा वाग इंद्रिय, अध्यात्म अधिभूत कौन होगा शब्द, अधिभूत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो वा है तो अग्नि अग्नि को ही खाने दौड़ेगा तब तो शब्द की निष्पत्ति होगी ना, अधिदैव ही डर गया, अधिदैव का डरना भी लाभान्वित किया या नहीं, अधिदैव ने अधिभूत का रूप धारण कर लिया, उसके मुँह से जो निकला वही अधिभूत हो गया। यह सच कुमारो भीता स्वाभाविक्या विद्यया युक्तो भाण इत्येवं शब्द मकरोत।
और उधर कहते भाड़ में झोंक दे, भट्ठी में झोंक दो भाण, और भनित भनित भाषण, वो भाण से ही भाषण वाषण बन गया सब। बोलने के अर्थ में होता है और कारण के अर्थ में भी, अग्नि के अर्थ में। भाण में जाओ, देहात में गाली देते ना, तो क्या वो अधिदैव प्रदा। अब वाक्य बोलने भाषण आदि सब इसी से बना है, तो अधिभूत भी हो गया अधिदैव भी हो गया, बीच में कौन है? अध्यात्। अगर वो जो कुमार था कौन, अग्नि, वाक इंद्रिय बीच में उत्पन्न न होती तो शब्द ही कैसे बोलता? इसका अर्थ क्या हुआ? केवल वो सूर्य ही नहीं, ये केवल वो अग्नि ही नहीं, अग्नि के साथ क्या वाक इंद्रिय भी थी, तो उससे क्या निकल आया? विषय कौन? शब्द। यह हुआ हो गया। आप क्या आनंद गिरी संवत्सर कौन हो गया? आदित्य ही। किसके योग से? पृथ्वी के योग से। पृथ्वी रूपी अंड का भेदन कर दिया तब वही कौन हो गया? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में कंपन हो जाए तो वही वाक इंद्रिय और शब्द के रूप में, अग्नि तत्व में कंपन हो जाए तो उसका नाम है वाक इंद्रिय, वाक इंद्रिय में कंपन हो जाए तो उसका नाम है शब्द। यूं लेंगे क्या? कितना बड़ा विज्ञान है सब, क्या ये सब कम विज्ञान है क्या? आधुनिक वैज्ञानिकों को तो सबका कुछ पता नहीं, मूर्ख मानते हम लोगों को, लोग बड़े विकट। जिनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए उन सबको कहते मूर्ख। इतनी बारीकी से आधुनिक वैज्ञानिकों को तो कुछ पता नहीं, जगत की उत्पत्ति का क्रम से कुछ भी नहीं पता है ना। लेकिन अपना देश है, मेधा शक्ति से ही यहाँ के शासन तंत्र को विद्वेष, क्या मेधा शक्ति को दबोचना, अपनी मेधा शक्ति से भारत लाभ नहीं उठा सकता। हमारे वैज्ञानिक सब चले गए विदेश में, कोई अमेरिका में प्रोफेसर हो गया, कोई नासा में चला गया, कोई यहाँ कोई विद्वान चले गए। भारत की मेधा शक्ति भारत को छोड़ के भगने के लिए आरक्षण आदि कारण तैयार हो गए। हमारी मेधा शक्ति का पूरा विश्व लाभ उठा रहा है। एक प्रधानमंत्री जिसका नाम था विश्वनाथ प्रताप, अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बना रहा हूँ, इसलिए जो एक विचित्र अभियान दे गया। अब हर प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तित्व का प्रश्न हो गया, उसको छेड़ेंगे तो हम। अब कोई ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जैसे 370 धारा को किसी प्रधानमंत्री ने छेड़ दिया, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? अरे आरक्षण की बात करते हैं तो सनातन धर्म में जैसा आरक्षण है वैसा कहीं होगा? सबसे बढ़िया आरक्षण क्या है जी? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो, इसी का नाम सनातन धर्म है या नहीं? तुम क्या आरक्षण करोगे? हमारे यहाँ आरक्षण सबका, हर व्यक्ति की जीविका, हर वर्ण की जीविका जन्म से आरक्षित थी या नहीं? क्या अमुक आरक्षण अमुक को दो, जाति के आधार पर दोगे तो बहुत से मर ही जाएंगे। स्त्रियों को आरक्षण दो, पुरुष को। तुम जितना घूमो आखिर में सबसे बढ़िया आरक्षण की व्यवस्था क्या होगी? हर व्यक्ति की जीविका, हर वर्ण की जीविका, हर आश्रम की जीविका जन्म से आरक्षित हो, उसी का नाम सनातन धर्म। इससे बढ़िया आरक्षण का क्या हो सकता है? हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। शर्त एक है कि हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित कर दो, हो ही नहीं सकता तब तक जब तक सनातन धर्म को न मानो। यही का हो गया। अब लीजिए कौन सा पेज हुआ? नारायण उत्तर
उत्तर ग्रंथम अवतार्य तस्य पूर्व ग्रंथेन संबंधम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। उत्तर ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ है प्रकरण। क्या यहाँ उत्तर ग्रंथ माने पूरा ग्रंथ तो बृहदारण्यक है ही, आगे का प्रकरण उत्तर ग्रंथ माने। अवतार्य अवतारणिका प्रस्तुत कर दी। तस्य पूर्व ग्रंथ न संबंधम वक्तुम, पूर्व ग्रंथ से माने पूर्व प्रकरण से संबंध बिठाने के लिए कहा। वृत्तम कीर्तयति सो कामयत, वृत्त माने प्राप्त जो रहस्य है उसको कहते हैं। अर्थात यहाँ ये मत समझो कि हिरण्य गर्भ के अतिरिक्त किसी और का वर्णन है। सो कामयत, जिसने इतना रचा उसी ने, माने मृत्यु संज्ञक देव ने, अश्नाया संज्ञक देव ने ही आगे के कृत्य का भी निर्वाह किया। व्यक्ति में, तत्व में, चेतन में यह भेद नहीं है। क्या ये अर्थ? अवान्तर व्यापार मंत्रेण कर्तृत्वानुपत्ति भत्वा पृच्छति। अवान्तर व्यापारम अंतरेण, अवान्तर व्यापार के बिना तो कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए वो व्यापार का स्वरूप क्या था? कर्तृत्व की सिद्धि कैसे होगी? बिना व्यापार के थोड़े होगी। कर्म की सिद्धि के पांच हेतु कौन कौन है? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम से पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा, देवन सेवात्र पंचमम। शरीर अधिष्ठान कार्यकरण का संघात, लेकिन करण भी चाहिए, करणगत चेष्टा भी चाहिए, और दैव माने अनुग्राहक देवता भी चाहिए, तब जाकर जीव में कर्तृत्व की सिद्धि होती है, उससे कर्म की निष्पत्ति होती। इसलिए कहा अवान्तर व्यापार के बिना कर्तृत्व की असिद्धि है ऐसा मानकर पूछते हैं। सक्तिम व्यापार इति, अब उसने क्या व्यापार किया? हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया क्या? और था वो कौन जो आगे की कृति का निर्वाहक था? वो कौन? कामनादि रूपम अवता अवान्तर व्यापारम उत्तर वाक्यावष्टम भेन दर्शयति उच्यते इति। अब उसको कामना हुई किसको? जिसका वर्णन चल रहा उसी को कामना हुई, नई कामना हुई या कोई और आ गया? ये या कहा अवस्टम्भ से कामना, फिर जानाति क्षति करोति। भले वो वेदोक्त विधा से उसने क्या देखा? क्रम का निर्धारण किया। क्रम का निर्धारण करके उसने समीक्षण क्या किया? इतना रच चुका हूँ, इतना रचना है, अब कौन सा आगे काम करना है? तब जाकर वो व्यापार का निर्धारण करके तदर्थ उसने क्या किया? संकल्प किया। यह हो कामना कार्यम अंतः संयोगम उपन्यस्यति स एव इति। कामना का कार्य क्या है? मनः संयोग, मनः संयोग है। अर्थात इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, मन के बिना तो एतत् सर्वं मन एव, मन के बिना कामना की सिद्धि ही नहीं हो सकती। मन तो उसको पहले से ही था। जिसने अपने लिए मन बनाया उसी ने अब ऐसा मन बनाया, मन संकल्प किया कि ये करूँ। स एवं कोयम मनसा स वाचो द्वंद्वभावस्तत्र मनसेति। द्वंद्वभाव बीज माने मिथुन माने द्वंद्वभाव, यहाँ स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं, मिथुन माने द्वंद्वभाव। मन और वाणी ये हो गए द्वंद्वभाव। यहाँ भी मन में पुरुषत्व की कल्पना कर लें, वाणी में देवी की कल्पना कर लें, उधर मन बुद्धि कह सकते हैं, उधर क्या कह सकते हैं? वाणी और अर्थ कह सकते हैं। तो यहाँ पर मन और वाणी मिथुन। वाक्यार्थ में बस फुटायती त्रयी विहितम मिथि,
वाक्यार्थ को स्फुट करते हैं भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग। ऋक् यजु साम संज्ञक त्रयी विद्या में तीनों वेदों में सृष्टि क्रम का अनुशीलन करके जितना कार्य संपादित हो गया था उसके अतिरिक्त कार्य के संपादन में अब कौन सा कार्य मुझे करना है। मनमाना ढंग से कुछ नहीं, क्या मनमाना ढंग से कुछ नहीं, वेदों में जो कार्योत्पत्ति का क्रम निर्धारित किया गया है, इतना कार्य संपादित हो गया, इतना कार्य होना है, लेकिन जितना कार्य होना है उनमें अब प्रथम कार्य कौन क्या करूं, ऐसा निर्धारण किया। वेदोक्त सृष्टि क्रमालोचनम प्रजापते है नेदम प्रथमम संसारस्य अनादित्वादिति वक्तुम अनुशब्दः अनु। अब कहते हैं कि अरे भाई, जब पहले सृष्टि रही होती ना महाप्रलय के पहले, तब तो कोई पूर्व कल्प के क्रम को देखता, सृष्टि तो पहली बार बनी है ना। वो कहते ऐसा नहीं, अनादिकाल से सृष्टि जो है परंपरा, सृष्टि की परंपरा, कार्यकरण की परंपरा अनादिकाल से है, नहीं तो यथा पूर्व कल्प यत का अर्थ क्या होगा। प्रलय के पहले भी सृष्टि थी, दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, यह तो क्रम चला रहा है। इसलिए पूर्व कल्प में ऋक् यजु साम की दृष्टि से विचार करने पर जो सृष्टि का क्रम वेद में निर्धारित किया गया और जिसे पूर्व कल्प के हिरण्यगर्भ ने चरितार्थ किया, तदनुकूल ही वर्तमान हिरण्यगर्भ ने क्या किया, आगे के कृत्य को संपादित करने का संकल्प किया। नेदम प्रथमम संसारस्य, यह कोई पहला संसार टपक नहीं पड़ा है। कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं, हमने एक दिन कहा था, कभी न कभी अरबों खरबों वर्ष पहले से ही, भले ही उसका आकलन हम न कर सकते हों, पहली सृष्टि भगवान ने की। तो क्या किया उन्होंने, लीला पूर्वक जीव बना दिया, स्वयं को ही जीव बना दिया। माने अनादि अविद्या काम कर्म के चपेट में जीव हैं, जीवत्व अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। इसको न मानने वाले विशुद्ध अद्वैत, माने जीव था ही नहीं, जगत भी पृथक से कुछ था नहीं, मौज आई फकीर की, भगवान की मौज आ गई, सबसे पहली सृष्टि करके जीव अपने को ही जीव के रूप में बना दिया, जगत के रूप में बना दिया, ऐसा भी कुछ वैष्णवाचार्य मानते हैं। विशुद्ध अद्वैत की सिद्धि के लिए, अरे भाई जीव कोई था ही नहीं, अविद्या नहीं थी, न काम था न कर्म था, भगवान ने लीला पूर्वक सबसे पहली सृष्टि जब रही होगी बनी, तब बना दिया अपने को जीव बना दिया, ऐसा नहीं। इसलिए कहते संसार से अनादित्वात् इति वक्तुम अनुशब्दः, अरे भाई यथा पूर्व कल्पयत, इस वचन का क्या होगा। शोकामयत इत्यादौ सर्वनामनो व्यभित विराट विषयत्वम आशंक्य परिहरति। अब कहते हैं शोकामयत, उसने कामना की, सह तो प्रोनाउन है, बिना नाउन का प्रयोग हुए प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होगा। लेकिन हिरण्यगर्भ तो दूर चला गया, बीच में कौन टपक पड़ा, विराट। सहकार्थ अव्यवहित, इससे पहले जिसका निरूपण चल रहा था, क्या पता वो विराट ही हो। श्रुति ने समझा कि पाठकों को क्या होगा, भ्रम हो सकता है, अव्यवहित कौन है, विराट, व्यवहित कौन है, हिरण्यगर्भ। कहते नहीं नहीं, जिसने ये सब रचा, जो मृत्यु संज्ञक देव, उसी ने फिर आगे के कार्य की रचना का संकल्प किया। अव्यवहित रहने पर भी, व्यवहित का ग्रहण करने पर कोई भ्रम उत्पन्न न हो जाए, इसलिए श्रुति ने फिर कह दिया, अश्नाया मृत्यु, भूख प्यास से संतप्त मृत्यु नामक देव, वही हिरण्यगर्भ।
कोसौ इति कथम तया मृत्युर्लक्ष्यते तत्र अशनाय अशनायति। उससे भला मृत्यु लक्षित कैसे है? कहते जिसको पहले परिभाषित किया श्रुति ने कि अशनाया, भूख की भोजन करने की इच्छा का नाम ही मृत्यु है। भोजन करने की इच्छा आई नहीं कि किसी ने किसी को खाएंगे ही, चाहे मालपुआ खाएं, चाहे रबड़ी खाएं, चाहे मुर्गी अंडा खाने वाली मुर्गी अंडा खाएं, बकरा करने वाले बकरियाँ, नहीं तो फिर मलाई पावें, फूल फल का सेवन करें, पत्ती चबावें। भूख लगी है तो भूखा व्यक्ति किसी न किसी को खाएगा ही, स्थावर प्राणी को खाए या जंगम को खाए, बिना मृत्यु दूसरे की मौत में हेतु हुए कोई भूख से प्राण प्राप्त नहीं कर सकता। भूख अपने आप में व्यक्ति को हिंसा के लिए प्रवृत्त करती है। अब समझदार व्यक्ति शाकाहार तक सीमित रहता है, लेकिन वो भी तो स्थावर प्राणी है, इसलिए भागवत में आया जीव ही जीव का आहार है, प्राणी प्राणी का आहार है। क्या बिल्ली खा जाए चूहे को, हुआ ना, बिल्ली खा जाए चूहे को, जंगम प्राणी जंगम को खा लेते हैं। समझदार व्यक्ति जंगम मनुष्य जो है समझदार, कम से कम वो स्थावर प्राणी को तो खा ही लेगा, तब तो भूख की निवृत्ति होगी। जंगम प्राणी को ना खावे, मांसाहारी नहीं है तो क्या कह रहे हैं? तो इतनी देर तो मैं यही बोल रहा था, हिरण्य गर्भ जब स्थूल कार्य को उत्पन्न करने लगा, स्थूलोपाधिक का नाम क्या हो गया? विराट प्रजापति। हमने पाठ शुरू किया था कहाँ से, अपनी ओर से। इस समय हम लोग कारण सूक्ष्म स्थूल तीनों शरीरों से युक्त हैं या नहीं? सूक्ष्म शरीर से युक्त होने के कारण व्यष्टि हिरण्यगर्भ हुए या नहीं? तेजस। स्थूलोपाधिक होने पर, स्थूल शरीर से युक्त होने पर क्या हो गए? विराट, विश्व, विश्वानर। लेकिन किसी काम को करने की इच्छा होगी तो करण किस में है? विराट के साथ रहेगा या हिरण्यगर्भ के साथ? करणक, करणों का साक्षात प्रयोक्ता कौन होगा? केवल स्थूल शरीर तो नहीं हो सकता ना, इसलिए हम वैश्वानर होके काम करेंगे या हिरण्यगर्भ होके? तेजस होके ही काम करेंगे ना। तो अव्यवहित कौन हुआ? स्थूलोपाधि का वर्णन चल रहा था, तो क्या पता वो हिरण्यगर्भ ने नहीं सही विराट नहीं संकल्प किया हो। तो व्यवहित माने दूर, अव्यवहित माने नज़दीक। नज़दीक में विराट होने पर भी दूरस्थ जो मृत्यु संज्ञक अशनाया संज्ञक हिरण्यगर्भ, उसी ने संकल्प किया। ये अर्थ कथम तया मृत्यु लक्षित हो गया कि मिति तरही पुनरुक्ति इत्याशंका तमेवेति। भाषिका तमेव परामृश्यति अन्यत्र प्रसंगो मा भूत। पुनरुक्ति क्यों कह दी? एक बार तो श्रुति ने कह दिया था अशनाया मृत्यु, कहते प्रकरण में भेद ना हो जाए क्या, इसीलिए तमेव याद दिलाया। भले ही अव्यवहित यहाँ पर विराट हो प्रजापति हो, लेकिन आगे के कृत्य का जिसके मन में संकल्प हुआ वो कौन था? हिरण्यगर्भ ही, जिसको हमने अशनाया या मृत्यु कहा है। व्यक्ति के एकत्व को दिखाया, व्यवहित को भी ले आया, ले आई श्रुति सर्वनाम के द्वारा। अन्यत्र अनंतर प्रकृते विराडात्मा आ विराडात्मनीति यावत्। अवान्तर व्यापारांतर माह तदित्यादिना। भगवान शंकराचार्य पानी पिए।
उसके अनंतर उसने क्या किया, अवान्तर व्यापार का संकल्प किया। प्रसिद्धम रेतो व्यावर्तयति। अब क्या कहते हैं, रेत तो मर्त्यलोक में मनुष्य आदि की उत्पत्ति में प्रसिद्ध जो रेत शुक्र वीर्य ये सब कहा जाता है, वो नहीं, कुछ और है। यहाँ वो कौन है रेत के स्थान पर, ज्ञान और कर्म। क्या रेत माने बीज, बीज माने ज्ञान और कर्म। किसके ज्ञान और कर्म, चेतन के, कौन से पूर्वजन के, क्या ज्ञान और कर्म का दर्शन करके तदनुकूल व्यापार की बात हुई। ननु प्रजापतिर् न ज्ञानम कर्म वा संभवति तत्र अनधिकारात्। कहते भाई प्रकरण तुमने प्रजापति का लिया, वो जो प्रजापति है उसमें ज्ञान और कर्म का कहाँ से योग आ गया। क्या अर्थ हुआ, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। यहाँ समर्पण किसके लिए होती है, इंद्र के लिए। देवता कर्मों में अनधिकृत हैं, ये उनकी अवर्ता का द्योतक है, उत्कर्ष का द्योतक है उनके। एमएससी पास करने वाला एमएससी कक्षा में नहीं बैठता, ये उसकी उसका जो अनधिकार हुआ ये दुर्बलता का सूचक है या प्रबलता का। इंटर पास व्यक्ति एमए कक्षा में सीधे नहीं बैठ सकता, ये उसकी दुर्बलता है। एमएससी उत्तीर्ण कर चुका जिस विषय में, उसी में फिर वो कक्षा में जाके बैठेगा नहीं, तो अनधिकार जो है उत्कर्ष का द्योतक है या नहीं। तो देवता जो होते हैं, यहाँ भी सामान्य देव नहीं है, कौन देव हैं, सर्व देव घनात्मक, कौन सामान्य देव नहीं है। तो इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। इंद्रादि जो देवता हैं वो तो मर्त्यलोक में जो यजमान ब्राह्मण क्षत्रिय आदि उनके द्वारा दी हुई आहुति को ग्रहण करते हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेयमा। हवनीय द्रव्य का निक्षेप जिनके निमित्त किया जाता है वो देवता स्वयं क्यों यज्ञ करेंगे। इंद्राय स्वाहा जब उनके निमित्त दिया जाता है तो यज्ञ करते समय क्या कहेंगे, इंद्राय स्वाहा, मंत्र तो वही रहेगा। क्या एक लालू यादव कोई हुए हैं तो अडवाणी जी ने राम जन्मभूमि के लिए रथ यात्रा की, तो वो महोदय समझे कि स्वाहा माने नाश, अडवाणी स्वाहा एक यज्ञ किया, सच्ची बात है, अडवाणी स्वाहा, तो वो समझे कि स्वाहा माने नाश हो जाएगा, अडवाणी जी की तरक्की हो गई। इंद्राय स्वाहा माने क्या हुआ, ये जो आहुति दी जा रही है इंद्र के लिए है। वो किसी से पंडित से पूछ लिया विभक्ति बना करके, वो भी क्या अडवाणी के लिए स्वाहा, उसका अर्थ हुआ अडवाणी उसे पुष्ट हुए होंगे या बड़े होंगे। एक एक नेता जो है बहुत बढ़िया इतिहास बना जाते। उसने यज्ञ करवाया अडवाणी यज्ञ, उसने सोचा कि से अडवाणी मर जाएंगे। सच्ची बात है, इंद्राय स्वाहा। अब इंद्र अगर यज्ञ करेंगे तो क्या कहेंगे, इंद्राय स्वाहा, मंत्र तो वही रहेगा। तो देवता जो हैं वो पारंगत होने के कारण, क्या पारंगत होने के कारण कर्मों में अधिकृत नहीं हैं। उन कर्मों का फल तो उनको देवलोक मिला है। अब रह गई बात ज्ञान, ज्ञान का अर्थ उपासना, वो तो उपास्य हैं, क्या वो तो उपास्य हैं, तो उपासना क्यों करेंगे जी, क्या वो तो मनुष्यों के लिए उपास्य हैं। तो गर्म कर्म में अधिकृत हुए न ज्ञान में, ये न्यूनता का द्योतक हुआ या उत्कर्ष का, उपास्य हो गए वो भले ही इन्हीं कर्मों के फलस्वरूप, लेकिन अब क्या करेंगे, उपास्य हो गए और इंद्राय स्वाहा उनके नाम पर आहुति दी जाती है, उनको अपने लिए आहुति देने की क्या जरूरत है।
जब सामान्य देवता इंद्रादि की ये बात है तो उनसे भी ऊंचे जो हिरण्य गर्भ हैं वो तो कर्म और ज्ञान में अधिकृत ही नहीं हैं, पारंगत होने के कारण। तो ज्ञान और कर्म रूप रेत को देखेंगे कैसे, उसके अनुसार वो फिर क्या करेंगे, यह प्रश्न उठा। ननु प्रजापति न ज्ञानम कर्म व संभवत ही तत्र अनधिकारादि अनधिकारात इत्याशंक्य आसीदित्यार्थम जन्मांतर यति। जन्मांतर में तो उन्होंने किया होगा ना, क्या आज जो ब्रह्मा के पद को प्राप्त हुए हैं कर्म और उपासना के निष्काम भाव से समुचित अनुष्ठान की भावना से ही तो प्राप्त हुए ना कर्म करके, तो अपने पूर्व जन्म के जो ज्ञान और कर्म थे उनका अनुशीलन किया। दूसरी बात क्या है, पारंगत हो करके भी अगर कोई वही कार्य करता है, बुद्धिमान है, तो लोक संग्रह माना जाता। क्या या तो विक्षिप्त है उसको पता नहीं हम पारंगत हो गए, लेकिन बुद्धिमान भी है, पारंगत हो के जिसका पार जिससे पारंगत हो गए वही कर रहे हैं तो लोक संग्रह के लिए। क्या उदाहरण के लिए बड़ा भगवान का वर्णन है महाभारत में, ये जो पिंड दान की प्रथा किसने चलाई इस कल्प में, बड़ा भगवान यज्ञ वराह जी ने मिट्टी का ही लौंदा बना लिया तीन उसी से, तो बड़ा भगवान किसके अवतार हैं, विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान के पिता का नाम, पितामह का नाम कुछ है ही हो तब तो न हो ना। शिव जी का विवाह होने वाला था, यजमान उनके तो पुरोहित उनके पिता कौन, ब्रह्मा जी, कहीं क्रोध न कर बैठे। ब्रह्मा जी भी सावधान रहते अपने बेटे से, कहा कि ऐसा है कि आइन का पेट तो भरना पड़ता है, विवाह तो तब होगा जब जरा अपने पिता का नाम ले लें। खुजलाते हुए शिव जी ने कहा ब्रह्मा मान लो, मैंने आप ही, अच्छा कोई बात। तो पितामह का नाम भी लेना होता तीन पीढ़ी ऊपर, विष्णु मान लो, ठीक। अब ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे, एक पीढ़ी और कोई हो तो ना नाम लें तो शादी ना हो, विवाह ना हो, विवाह तो करना ही है। मैं सोया अब पिता हो गए, पितामह हो गए, प्रपितामह तो कोई हो तब तो नाम लें, नहीं लेंगे तो विवाह से वंचित हो जाएंगे, विवाह नहीं करेंगे तो स्कंद नहीं उत्पन्न होंगे, स्कंद नहीं होंगे तो अमुक राक्षस का तारकासुर आदि का वध नहीं होगा, विवाह तो करना ही है भाई, और तीसरी पीढ़ी ऊपर कोई है नहीं तो क्या करेंगे, मुझे ही शांतम से मद्वैतम चतुर्थम मन्यंते सातमा सर्वज्ञेय है। तो बड़ा भगवान ने क्या किया, तीन मिट्टी के लौंदे बना दिए पिंड, अब उनका कोई पिता नहीं पितामह नहीं, अपनी ही कल्पना कर ली, मैं ही अपना पिता, मैं ही अपना पितामह, तो लोक संग्रह के लिए उसी से पिंडदान की प्रक्रिया चली इस कल्प में। कहाँ लिखा है, महाभारत। तो अगर प्रजापति यज्ञ करते हैं, वर्णन है, प्रजापति तो सामान्य देवता नहीं, अश्वमेध के भी देवता हैं, सर्वदेव घनात्मक, सर्वजीव घनात्मक हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो करेंगे तो देखा देखी और भी करेंगे, ये लोक संग्रह। क्या पारंगत व्यक्ति जिससे पारंगत है, समय हो गया, पारंगत व्यक्ति जिससे पारंगत है उसको करे, विक्षिप्त नहीं है तो क्या माना जाएगा, लोक संग्रह, ठीक है। तो उन्होंने फिर किस आधार पर देखा, अपने पूर्व जन्म में जो कर्म और ज्ञान का आलंबन लिया था यथा पूर्व जन्म का देखा, इस जन्म में तो क्या, इसमें तो ब्रह्मा होकर ही प्रकट हुए हैं, बस उनको स्मरण आ गया, फिर उन्होंने क्या किया, लोक संग्रह के लिए आगे का कदम उठाया।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 नारायण। मैं लघु शंका हुआ।